यस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे सब लोग होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूँ सोडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इन योर एग्जामिनेशन दिस टॉपिक इज गोइंग टू कवर अप्रोक्स ट्वेंटी मार्क्स एंड टॉपिक नेम इज पीजीबीपी और आपका सबका फेवरेट टॉपिक बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन फोर्टी मार्क्स विल बी फ्राम द पीजीबीपी एज वेल एज द कहीं और एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जाता है सो अप्रोक्स ट्वेंटी मार्क्स आपको मिलने वाले है तो आने वाले एक डेढ़ घंटे या हो सकता है दो घंटे तक आप एक काम करिए अपना सब काम छोड़ के या फिर कुछ भी काम कर रहे हैं अपना ईयरफोन लगा लीजिए और ईयरफोन लगा लीजिए और उसके बाद में सुनते जाइए जो मैं आपको सुनाने वाला हूं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पीजीबीपी अब एक चीज समझना पीजीबीपी में सबसे पहली सेक्शन होती है दैट इज द चार्जिंग सेक्शन चार्जिंग सेक्शन ये बोलती है कि ये वाली जो इनकम है ये आपके बिजनेस में टैक्सेबल होती है तो कौन कौन सी इनकम बिजनेस में टैक्सेबल होती है पहला क्लॉज बोलता है एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय एस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस इयर दैट इज टेक्सेबल अंडर दीजीबीपी एक नॉर्मल क्लोज है अब एक चीज समझना अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता है

दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी बट आज की डेट में डीईपीबी या डीएफआरसी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है अब एक और चीज समझना अगर कोई भी आप बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन करते हैं और बिजनेस से या प्रोफेशन की वजह से आपको कोई गिफ्ट मिल जाता है परक्यूजिट मिल जाता है बेनिफिट मिल जाता है दैट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाता है अब एक और चीज समझना अगर कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई भी पैसा मिलता है और वो एम्प्लॉयर को मिलता है दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी देखो मैंने आपको बताया था कि जो कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा मिलता है वो एग्जेम्ट नहीं होता है टेन टेन डी में वो टैक्सेबल होता है कहां टैक्सेबल होता है अगर एम्प्लॉयर को मिला देन क्सेबल अंडर दीजीबीपी एम्प्लॉय को मिला देन टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी और अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है जैसे डायरेक्टर वगैरह होते हैं उनको अगर की कुछ भी पैसा मिलता है दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस अब एक और चीज समझना अगर कोई पार्टनर है और उस पार्टनर partner को पार्टनरशिप फर्म से पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड एलएलपी आल्सो पार्टनरशिप फर्म से अगर कोई सैलरी मिलती है बोनस मिलता है कमीशन मिलता है इवन लाइक इंटरेस्ट मिलता है इवन इंटरेस्ट मिलता है दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी वो हमेशा पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होता है तो देखो मैंने क्या बोला अगर कोई पार्टनर है उस पार्टनर partner को पार्टनरशिप फर्म से क्या मिलता है सैलरी मिलता है बोनस मिलता है कमीशन मिलता है

रिलटेड टू बिजनेस एंड प्रोफेशन या फिर किसी के साथ में आप नो हाउ पेटेंट कॉपी डिजाइन फॉर्मुला है वो किसी और के साथ शेयर नहीं करोगे उसके लिए कुछ पैसा मिलता है that is taxable, under the head, PGVP.

अगर कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का क्या हो जाता है या तो टर्मिनेशन हो जाता है या उसके टर्म्स एंड कंडीशन में कोई मॉडिफिकेशन हो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट तो का टर्मिनेशन जाना या मॉडिफिकेशन हो जाना उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में और उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंपनसेशन मिलता है इक like, जब भी आप बिजनेस की बात करो अगर कोई स्पेक्युलेटिव बिजनेस है तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस को आप अलग ट्रीट करेंगे नॉर्मल बिजनेस को आप अलग ट्रीट करेंगे अब क्वेश्चन ही आता है स्पेक्युलेटिव बिजनेस होता क्या है तो स्पेकुलेटिव बिजनेस मींस वादे के बिजनेस मीस ऐसा बिजनेस जिसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती है ऐसा बिजनेस जिसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती है मैं जो भी सौदा होता है वो सेटल होता है अदरवाइज देन एक्चुअल डिलीवरी दैट इज कॉल योर स्पेक्युलेटिव बिजनेस तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस और नॉर्मल बिजनेस को आप अलग ट्रीट करेंगे आप बोलेंगे ऐसा क्यों क्योंकि स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉसेज होते हैं ना वो सिर्फ स्पे्युलेटिव बिजनेस

अगर आपका हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट है हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू रॉ मटेरियल है मर्चेंडाइज है या स्टॉक एंड शेयर से रिलेटेड कोई भी हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो तुम्हारा स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं है ये तुम्हारा नॉर्मल बिजनेस का ट्रांजेक्शन है एज वेल एज अगर कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है या फिर आपका डेरेवेटिव है डेरेवेटिव मतलब ऑप्शन फ्यूचर का डेरेवेटिव एज वेल एज द जो कमोडिटी डेरेवेटिव एमसीएक्स में करते हो वो भी तुम्हारा नॉर्मल बिजनेस माना जाएगा बिजनेस नहीं माना जाएगा तो देखो मैंने क्या बोला कि बेटा तीन तरह के बिजनेस ऐसे है तीन तरह के ट्रांजेक्शन ऐसे है, जो लगेंगे स्पेक्युलेटिव

अगर कोई कंपनी है और वो कंपनी क्या करती है किसी दूसरे कंपनी के शेयर परचेज सेल करती है अगर एक कंपनी है वो किसी और कंपनी के शेयर परचेज एंड सेल करती है तो वो कंपनी का बिजनेस है वो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस माना जाएगा लेकिन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस कब नहीं माना जाएगा अगर वो कंपनी का मेन काम ही शेयर का बेचना खरीदना है जो कंपनी है उस कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस है ना वो प्रिंसिपल बिजनेस ही अगर ट्रेडिंग इन शेयर्स है या फिर बैंकिंग है या फिर ग्रांटिंग अ लोन एंड एडवांसेस है और वो क्या करती है किसी और कंपनी के शेयर्स है वो परचेज सेल करती है तो वो स्पेकुलेटिव नहीं माना जाएगा या फिर अगर कंपनी का जो जीटीआई है ग्रॉस टोटल इनकम है वो ग्रॉस टोटल इनकम मेनली आपके इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी से है या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से है या कैपिटल गेन से है या आई एफ ओ एस से है तो उस केस में उन्होंने जो शेयर सेल किए वो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस नहीं माना जाएगा तो वापस बोल रहा हूं मैंने क्या बताया कि अगर कोई कंपनी है वो कंपनी क्या करती है अगर पार्टली मीन कभी कभार किसी और कंपनी के शेयर परचेज सेल करती है तो वो डीम टू बी स्पेक्यूलेटिव माना जाता है लेकिन डीम टू बी स्पेक्यूलेटिव कब नहीं माना जाएगा उसके दो एक्सेप्शन है कि अगर उस कंपनी का मेनली जो इनकम है वो इनकम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी से है या फिर हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन आई

उसमें लिखा हुआ है कि उनका प्रिंसिपल बिजनेस है वो बिजनेस ही लेट आउट का है लेट आउट बिजनेस एक्टिविटी है तो क्वेश्चन इनकम आएगी वो रेंटल इनकम कहा बोलता है कि आपका जो बिजनेस है वो लेट आउट का बिजनेस है तो लेटिंग आउट से जो भी इनकम रहेगा दैट इनकम अंडर दीजीबीपी वो आपके पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा लेकिन एक चीज समझना एक और केस लॉ है राज दादरकर एंड एसोसिएट 2017 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसमें सिमिलर फैक्ट थे लेकिन इसका जजमेंट अलग है अब इसमें हुआ क्या कि यहां पे डीड में तो लिखा हुआ था पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा हुआ था कि ये पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगी और लेआउट करेगी और अदर बिजनेस भी करेगी उसमें लिखा हुआ क्या था अदर बिजनेस भी करेगी एंड ये लोग एस्टेब्लिश कर ही नहीं पाए कि इनका मेन बिजनेस लेआउट का बिजनेस है

बिजनेस पर्पज के लिए कहीं बैंक गारंटी लेनी थी और बैंक गारंटी लेने के लिए बैंक ने क्या किया कुछ डिपोजिट मांगा क्या आप कुछ एफडी करा लीजिए हम आपको बैंक गारंटी दे देंगे तो यहां पर कंपनी ने क्या किया वहां एफडी कराई और बैंक गारंटी ली और वो बैंक गारंटी वॉज नेसेसरी फॉर द कंडक्टिंग द बिजनेस तो क्वेश्चन आता है कि वो FD कराई थी उसका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कहां टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में या पीजीबीपी में राइट आंसर इज पीजीबीपी में तो ध्यान रखना अगर आपने बैंक गारंटी ऑप्टेन की और वो बैंक गारंटी बिजनेस के लिए जरूरी था और उसके लिए आपने कोई डिपॉजिट करना पड़ा तो वो डिपॉजिट से जो भी इनकम रहेगा दैट इनकम इज टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन ट्वेंटी नाइन सेक्शन ट्वेंटी नाइन ये बोलती है कि पीजीबीपी का इनकम कैसे निकालना है ये सेक्शन बोलती है जस्ट फॉलो सेक्शन थर्टी से लेके फोर्टी थ्री डी तो हम फॉलो कर लेंगे और पीजीबीपी का इनकम निकाल देंगे चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन थर्टी देखिए सेक्शन 30 से लेकर 37 तक की सेक्शन है वो ये बताती है कि पीएनडल के डेबिट में कौन कौन से खर्चे अलाउ होते हैं मीन पीएनडल के डेबिट में ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जो पी एनडल के डेबिट में अलाउ हो जाएंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो सेक्शन 30 ये बोलता है कि रेंट रेट टैक्सेस इंश्योरेंस एंड रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग तो अगर कोई बिल्डिंग है उसका रेंट रेट टैक्सेस इंश्योरेंस एंड रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग क्या वो अलाउ होगा या नहीं तो देखिए अगर कोई ओनर है तो ओनर को ऑब्वियसली रेंट अलाउ नहीं होता है तो ओनर के केस में रेंट इज नॉट अलाउड

बिल्डिंग बताया जाएगा और टेनेंट उस पर क्या करेगा डेप्रिशिएशन क्लेम करेगा तो मैंने क्या बोला देखिए सेक्शन थर्टी ये बोलती है रेंट रेट टैक्सेस इंश्योरेंस एंड रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग तो ओनर को रेंट अलाउ नहीं है

बसेस को यहां पे रजिस्टर्ड करवाया गया रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द लेसी लेसी के नाम पे रजिस्टर्ड कराया बसेस को बट लेसर ने पैसा लगाया और अग्रीमेंट लेसर और लेसी के बीच में है और उस अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि लेसर इज एक्सक्लूसिव ओनर रहेगा उन बसेस का अगर कहीं भी आगे जाके कोई भी डिफॉल्ट हो जाता है तो कभी भी लेसर है वो बसेस को वापस ले सकता है उसके साथ में जब लेसर के पास ये राइट रहेगा जब भी चाहे वो चाहे जाके और बसेस का इंस्पेक्शन कर सकता है एंड उसके बाद में जैसे ही लीज पीरियड खत्म हो जाएगा तब वो वहीकल है वो लेसर के पास में आएगा उस अग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है तो क्वेश्चन आता है कि इवन दैट वेहीकल इज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द लेसी तो भी क्या लेसर डेप्रिशिएशन ले सकता है या नहीं यहां पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यस लेसर डेप्रिशिएशन लेगा बिकॉज लेसर इज अ beneficial owner.

प्लांटेड मशीनरी में आपके शिप्स है वो प्लांटेड मशीनरी में आते हैं एज वेल एज द वहीकल से वो प्लांटेड मशीनरी में आएगा बुक्स भी प्लांटेड मशीनरी में आएगा उसके बाद में जो भी सर्जिकल इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं डॉक्टर के पास वो भी प्लांटेड मशीनरी में आते हैं लेकिन कुछ चीजें प्लांटेड मशीनरी में नहीं आएगी कौन कौन सी एक तो तुम्हारे जो भी टी बुशेज या फिर लाइव स्टॉक एनिमल्स वगैरह होते हैं एंड बिल्डिंग फर्नीचर फिटिंग्स है building, वो तुम्हारे प्लांटेड मशीनरी में नहीं आएगा तो मैंने क्या बोला एक तो टी बुशेज है वो प्लांटेड मशीनरी में नहीं आएगा दूसरा तुम्हारा एनिमल्स है वो प्लांटेड मशीनरी में नहीं आएंगे के उसके साथ में फर्नीचर एंड बिल्डिंग है वो प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आएगा क्योंकि उसके लिए सेपरेटली क्लास है लेकिन एक बात बताओ इंटेंजिबल असेट में क्या क्या आएगा तो मैं बता दूं इंटेंजिबल असेट्स में जो भी तुम्हारा पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क फ्रेंचाइजी डिजाइन फॉर्मूला वो भी सब इंटेंजिबल असेट में आएगा लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आता है क्या गुडविल भी इंटेंजिबल असेट में आएगा या नहीं पहले आता था लेकिन दिस टाइम निर्मला सीतारमन जी मेड वन अमेंडमेंट और निर्मला सीतारमन जी ने बोला कि अब मैं गुडविल पे आपको डेप्रिशिएशन नहीं दूंगी तो गुडविल ऑफ द बिजनेस एज वेल एज द गुडविल ऑफ प्रोफेशन इनटेंजिबल असेट में अब नहीं आएगा और वो भी रेट्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट किया है फ्रॉम प्रीवियस ईयर ट्वेंटी मिस लास्ट ईयर से मिस प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन से और आपका जो भी गुडविल ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन है उस पे नहीं मिलेगा वो तुम्हारे में नहीं आएगी मिस प्रीवीन ट्वेंटी तक डेप्रीशियन अलाउ था गुडविल पे उसके बाद से प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी गुडविल को इन्होंने हटा दिया और गुडविल पे अब आपको डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सर एक बात बताइए हमको मेथड ऑफ डेप्रीशिए कौन सा फॉलो करना है एस एल एम मेथड फॉलो करना है या डब्ल्यू डीवी मैथड तो मैं बता दू देखो एक ही एस एस सी ऐसा है जिसके पास में ऑप्शन

10% की रेट से डेप्रिशिए मिलेगा और इंटेंजिबल असेट्स जो रहेगी इंटेंजिबल असेट्स पे आपको 25% की रेट से डेप्रिशिए मिलेगा लेकिन प्लांट एंड मशीनरी में सबसे पहले बात करते हैं मोटर व्हीकल की

ड मशीनरी जो भी रहेगा उस पर आपको अदर प्लांटेड मशीनरी पे फिफ्टीन परसेंट की रेट से डेप्रिशिएशन मिलेगा अब क्वेश्चन मैंडेटरी है ऑप्शनल है राइट आंसर इज डेट इज मैंडेटरी आपको क्लेम करना ही पड़ेगा ऐसा नहीं है ऑप्शनल नहीं है जैसे आप फोर्टी फोर एडी ले रहे तो भी आपको तो करना ही पड़ेगा, अब एक और समझना मोबाइल फोन वगैरह होते हैं तो मोबाइल फोन ईपीएबीएस मशीन होती है जो इंटरकॉम कॉलिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं वो तुम्हारे कंप्यूटर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है वो नॉर्मल प्लांट मशीनरी है डेप्रीशिएशन मिलेगा अब एक और चीज समझना लेकिन जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं जैसे यूपीएस है प्रिंटर

आप एक काम करिए ब्लॉक मीन्स ग्रुप ऑफ असेट आपको असेट्स का ग्रुप बनाना है जिसमें सेम रेट ऑफ डेप्रिशिएशन होनी चाहिए और सेम क्लास ऑफ असेट होनी चाहिए तो सेम क्लास ऑफ असेट क्लास भी सेम होनी चाहिए रेट भी सेम होनी चाहिए उन असेट्स का आप एक ग्रुप बना दीजिए उन असेट्स का आप एक ग्रुपिंग कर दीजिए दैट इज कॉल योर ब्लॉक ऑफ असेट अब एक चीज समझना जब आप ब्लॉक ऑफ असेट्स लेते हैं तो ब्लॉक ऑफ अट्स में आपको डेप्रिशिएशन कैसे है? तो डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आप ले लीजिए ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ द ब्लॉक मीनस ब्लॉक का ओपनिंग डब्लूडीवी उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में इस साल जो भी आपने असेट की है तो उसको तीन पार्ट में करेंगे एक तो एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज वन डेज और मोर मीन एटी डेज या उससे ज्यादा असेट एक्वायर करके पुट टू यूज करंट ईयर में किया है दूसरा असेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज लेस देन वन डेज और तीसरा आपको एड करना है दैट इज द क्वायर बट नॉट पुट टू यूज एक चीज ध्यान रखना अगर नहीं मिलेगा लेकिन ब्लॉक का पार्ट बनेगी लेकिन यहां पे एक उससे और 180 से कम कब रहेगा तो आपको ध्यान रखना है थर्ड अक्टूबर या उससे पहले आपने साल में जो पुट टू यूज किया वो आपने थर्ड अक्टूबर या उससे पहले पुट टू यूज किया तो वो आपका फुल रेट वाले में जाएगा उस पर फुल रेट से डेप्रिशिए मिलेगा बट अगर आपने फोर्थ अक्टूबर या उसके बाद में आपने पुट टू यूज किया तो उस केस में आपको हाफ रेट से डेप्रिशिए मिलेगा क्योंकि डेज़ आपके लेस देन एटी डेज हो जाएंगे तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला ओपनिंग डब्लू डीवी ब्लॉक लीजिए आप क्या करिए

लेकिन एक चीज ध्यान रखना ये जो है ना

एग्जिस्ट हो जाए आपका पूरा ब्लॉक ही आप सेल कर दो जैसे ब्लॉक में आपके पास में

आ रहा है है तो 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 जब भी आप depreciable asset को बेचते हो तो हमेशा आपका short -term capital gain होता तो देखिए अगर आपने पूरा बेच दिया और पूरा बेच दिया और आपका selling price अगर ओपनिंग से ज्यादा है तो यहाँ कैपिटल गेन आएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा बट अगर सेलिंग प्राइस ओपनिंग डब्ल्यू प्लस परचेस से कम है तो उस केस में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा क्या आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा तो मैंने क्या बोला अगर आपका जो सेलिंग प्राइस है यहां पे जैसे इस एग्जांपल में आप देखेंगे सेलिंग प्राइस है वो ओपनिंग डब्ल्यू डीवी प्लस परचेस से ज्यादा है तो यहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा और सेलिंग प्राइस है वो अगर आपका ओपनिंग डब्ल्यू डीवी प्लस परचेज से कम है तो यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा लेकिन एक चीज समझना अगर आप कुछ असट बेचते हैं ब्लॉक में से जैसे आपके पास ब्लॉक था उस ब्लॉक में टोटल सेवन असेट थी उसमें से आपने फोर असेट बेच दी तो उस केस में क्या कैपिटल गेन हो सकता है आंसर इज यस एक केस में हो सकता है जब जो असेट आपने सेल किया ना उसका सेलिंग प्राइस ओपनिंग डब्ल्यू डीवी प्लस परचेज से ज्यादा हो जाए जैसे इस एक्साम्पल में आप देखिए यहां पे टोटल आपके पास में सेवन असेट थी सेवन में से आपने फोर असेट्स को बेच दिया लेकिन फोर असेट्स को आपने नाइन लाख टेन थाउजेंड में बेचा सो इन सिंपल वर्ड कैन आई से दैट कि फोर असेट्स को आपने नाइन लाख टेन थाउजेंड में बेचा तो ये सेलिंग प्राइस है ये ओपनिंग डब्ल्यूडी प्लस परचेज से ज्यादा है तो यहां पर आपका वन लाख टेन थाउजेंड का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा यहां पर डेप्रिशिएशन नहीं मिलेगा लेकिन एक चीज समझना अगर मान लो आपका सेलिंग प्राइस ओपनिंग डब्ल्यू डीवी प्लस परचेस से ज्यादा नहीं है जैसे इस एग्जांपल में आप देखिए यहां पे आपके पास डब्ल्यू डीवी भी है और आपके पास असेट भी है तो यहां पे नॉर्मल डेप्रीशिएशन आपको अलाउ होगा यहां पे आपका कैपिटल गेन नहीं आएगा तो इन सिंपल वर्ड बता दू देखिए जब भी आपके ब्लॉक की है कैपिटल गेन दो ही केस में हो सकता है या तो ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है या फिर क्या होता है ब्लॉक की कुछ असेट बेचते हैं लेकिन कुछ असेट का जो सेलिंग प्राइस है वो ओपनिंग डब्ल्यू डीवी प्लस परचेस से ज्यादा हो जाता है तो उस केस में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा यूनि

लेकिन प्रीवियस ईयर 1920 तक आप ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं 2021 ट्वेंटी ट्वेंटी है वो आपको गुडविल पे डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा लेकिन आपका क्वेश्चन यहां पे ये रहेगा कि सर हमारे ब्लॉक में अगर ऑलरेडी गुडविल पहले से चला आ रहा है तो जैसे आपका इंटेंजिबल अट का एक ब्लॉक है तो इंटेंजिबल अट में आपका गुडविल ऑफ बिजनेस भी रहेगा गुडविल ऑफ प्रोफेशन भी हो सकता है और उस पर मान लो आप ले रहे हैं तो वो डेप्रीशिएशन अब तो नहीं मिलेगा लेकिन ब्लॉक में तो ऑलरेडी है तो उसको ब्लॉक में से आपको हटाना पड़ेगा अब आप कैसे हटाएंगे तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखना जैसे फॉर एन एक्साम्पल हमारा एक इंटेंजिबल असेट का ब्लॉक है तो मैं क्या बोल रहा हूं प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी आपको गुडविल फेड एप्रिशिएशन नहीं मिलेगा तो आप एक काम करिए वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी की डब्ल्यू डी भी निकालिए वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी का जो आपका डब्ल्यू डीवी है ब्लॉक का उसमें से आपको गुडविल को हटाना है गुडविल को हटाना है क्योंकि गुडविल पे तो 2020 से पर नहीं मिलेगा तो आप गुडविल का डब्ल्यू डीवी बोलेंगे गुडविल का WDV कैसे निकालेंगे तो आप एक काम करिए कि आपके इंटेंजिबल अट इंटेंजिबल अट हो सकता है बहुत सारी असेट है पेटेंट है कॉपीराइट है ट्रेडमार्क फ्रेंचाइजी डिजाइन फॉर्मूला एंड गुडविल भी है तो अब आप एक काम करिए जब आपने वो गुडविल एक्वायर की थी ना वहां से लेके और प्रीवियस ईयर 1920 तक आप डेप्रिशिएशन ऐसे लेस करिए जैसे गुडविल वाज़ द ओनली असेट इन द ब्लॉक ऑफ असेट तो जब आपने गुडविल एक्वायर की थी वहां से लेके और प्रीवियस ईयर 1920 तक आप लेस कर दीजिए जो भी बचेगा वो गुडविल का डब्ल्यू है आपको क्या करना पड़ेगा जो आपके इनटेंजिबलॉक का ब्लॉक डब्ल्यू डीवी है उसमें से गुडविल का डब्ल्यूडीवी है वो आप हटा दीजिए और अब गुडविल पर आपको डेप्रिशिएशन आगे नहीं मिलेगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस तो आपको क्या करना है देखिए ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट आप प्रीवियस ईयर 2021 में आपके ब्लॉक को कैसे करेंगे तो प्रीवियस ईयर 2021 में आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले जो आपके पास ओपनिंग डब्ल्यूडीवी रहेगी वन फोर टू को इंटेंजिबल टेंजिबल के ब्लॉक की वो ले लीजिए अब एक काम करिए इसमें आप ऐड करिए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ अटक्वायर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मीन लास्ट ईयर आपने कोई इंटेंजिबल इनटेंजिबल एक्वायर की थी उसको आप ऐड करिए लेकिन गुडविल को छोड़ के क्योंकि गुडविल पे तो लास्ट ईयर से डेप्रिशिएशन मिलता ही नहीं है अब एक काम करिए लास्ट ईयर अगर आपने कोई इंटेंजिबल अट सेल किया तो उसका मनी पेबल लेस कर दीजिए और अब आपको लेस क्या करना है लास्ट ईयर ही लास्ट ईयर आपको लेस क्या करना है डब्ल्यू ऑफ गुडविल गुडविल का डब्ल्यूडीवी आप यहां से लेस करिए लेकिन गुडविल का डब्ल्यूडीवी कैसे कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेट ऑन द अजम्पन दैट गुडविल इज द ओनली असेट इन ब्लॉक ऑफ असेट जैसे फॉर एन एक्साम्पल मैं एक एक्साम्पल लेता हूं मेरा लास्ट ईयर का इनटेंजिबल असेट का ब्लॉक था उसका ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ट्वेंटी लैक था अब एक बात समझना इसमें गुडविल भी था

2021 का डेप्रिसिएशन है वो रिमेनिंग वाले पार्ट पे मिलेगा मिस गुडविल पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो डब्ल्यूडीवी ऑफ गुडविल है ये डब्ल्यूडीवी ऑफ गुडविल अगर ज्यादा हो जाता है किससे पता है ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ इंटेंजिबल एसेट के ब्लॉक से मींस इंटेंजिबल एसेट का जो आपका ब्लॉक है जो वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी को इंटेंजिबल अट्स का इंक्लूडिंग गुडविल वाला जो ओपनिंग है अगर ये वाला जो डब्ल्यूडीवी ऑफ गुडविल है वो एक्सेस हो गया तो तो लॉ मेकर्स बोलते हैं जो एक्सेस होगा ना वो तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा जो एक्सेस होगा वो तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और इस पे आपको प्रीवियस ईयर 2021 में टैक्स भरना पड़ेगा बड़ा ही ऑड लग रहा है बट यस ऐसा होगा अगर मान लो आपका ओपनिंग डब्ल्यू डीवी ऑफ ब्लॉक है फिर आप क्या करोगे गुडविल पे डब्लू डब्ल्यू डीवी निकालोगे और गुडविल का डब्ल्यू डीवी ऐसे कैलकुलेट करो जैसे गुडविल इज द ओनली असैट इन द ब्लॉक ऑफ असट जब से खरीदा था तब से और वो जो डब्ल्यू डीवी आया अगर वो डब्ल्यू डीवी आपके ओपनिंग डब्ल्यू डीवी से ज्यादा हो जाती है तो उस केस में आपका यहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा लेकिन एक चीज समझना है यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट एक और है कि मान लो आपके ब्लॉक में ओनली गुडविल ही था और कोई था ही नहीं अगर आपके ब्लॉक में ओनली गुडविल ही था और कोई था ही नहीं मिन्स पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क फ्रेंचाइजी ये सब नहीं था इंटेंजिबल वाले ब्लॉक में ओनली गुडविल था तो उस केस में ना तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा ना शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा कुछ भी नहीं होगा वहां पे आपका ब्लॉक है वो लैप्स हो जाएगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब यहां पर एक और चीज समझना सर गुडविल को हमने ब्लॉक से तो अलग कर दिया तो जो गुडविल का डब्ल्यूडीवी है वो ब्लॉक में से आपने अलग कर दिया अगर फ्यूचर में आप गुडविल को बेचेंगे तो आपको कैपिटल गेन होगा अब क्वेश्चन आता है कि सर कैपिटल गेन होगा तो उसकी कॉस्ट क्या ले गुडविल की तो कॉस्ट क्या लेना जितने में आपने खरीदा था माइनस कर दीजिए आपने डेप्रीशियन ट्वेंटी तक तो लिया था तो 1920 तक जितना depreciation आपने लिया था वो लेस कर दीजिए इन सिंपल वर्ड में बता दू जो डब्ल्यू आपने वन फोर को गुडविल के लिए निकाली थी वही आपकी डब्ल्यू क्या बन जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजेशन बन जाएगी और अब यहां पर अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन भी होगा करके ठीक है और आपका कैपिटल गेन अब आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोई भी कैपिटल गेन हो सकता up, yes. है डिपेंड्स ऑन पीरियड ऑफ़ ऑफ़ होल्डिंग इससे रिलेटेड मैंने यहां पर फोर फाइव एक्साम्पल दे रखे आई थिंक एक्साम्पल्स तो जब यह एग्जाम्पल करोगे तो आपको ईजिली चीजें समझ में आ जाए चलिए नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू एडिशनल एडिशनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा आपको नॉर्मल नॉर्मलिएशन तो मिलता ही है लेकिन यहां पे एडिशनल पर मिलेगा लेकिन एडिशनल हर किसी को नहीं मिलता यहां मिलता है एडिशनल सिर्फ चार लोगों को या तो आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है या पावर जनरेशन बिजनेस में है पावर ट्रांसमिशन बिजनेस में है या पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में तब आप एडिशनल डेप्रीशिएशन ले सकते हैं लेकिन एडिशनल डेप्रीशियन आप तभी ले सकते हैं जब आप डब्ल्यू डीवी मेथड फॉलो करते हैं एस एल एम मेथड वालों को एडिशनल डेप्रिशिए मिलता अब एक और चीज समझना एडिशनल डेप्रीशन आपको 20% मिलता है मिस जितना आपका एक्चुअल कॉस्ट है उसका 20% आप एडिशनल डेप्रीशन ले सकते हैं जिस ईयर में पहली बार असेट को पुट टू यूज किया उस ईयर में आप 20% एडिशनल डेप्रीशन ले सकते हैं

ऐसा क्या वो भी मैन्युफैक्चरिंग माना जाएगा आंसर इज यस तो जो प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग का बिजनेस है वो भी मैन्युफैक्चरिंग माना जाएगा और आप एडिशनल डेप्रिसिएशन ले सकते हैं अब एक और चीज समझना किसी भी असेट की एक्चुअल कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करते हैं एक्चुअल कॉस्ट को ही अपन ब्लॉक में ऐड करते हैं तो एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या होता है तो एक्चुअल कॉस्ट के लिए आप एक काम करिए सबसे पहले उसकी परचेस प्राइस ले लीजिए अगर उसका कोई इंस्टॉलेशन का खर्चा होता है वो आप ऐड करिए जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है वो आप ऐड करिए अगर आपने कोई ट्रायल रन या टेस्ट रन किया है उसका खर्चा आप ऐड करिए अब क्वेश्चन आता है जो भी हमने ड्यूटीज पे किया जैसे मान लो आपने जीएसटी पे किया कस्टम पे किया तो वो भी क्या एक्चुअल में जुड़ता है आंसर इज यस अगर उसका आईटीसी नहीं मिलता

जब आप असट को पुट टू यूज करेंगे उस दिन तक का इंटरेस्ट है वो आप कैपिटलाइज करेंगे और उसके बाद का इंटरेस्ट है सीधा पी एंडल के डेबिट में डाल देंगे अब एक और चीज समझना गवर्नमेंट ग्रांट अगर गवर्नमेंट सब्सिडी मिल जाती है तो वो आप यहां पे लेस करेंगे एक और और चीज समझना अगर कोई असेट आप एक्वायर करते हैं उससे रिलेटेड अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया और इन सिंगल डे टू सिंगल पर्सन टेन से ज्यादा का पेमेंट है तो वो आपको अकाउंट पे ही चेक अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ही करना है आप कैश में पेमेंट नहीं करेंगे अगर इन सिंगल डे टू व सिंगल पर्सन टेन से ज्यादा का पेमेंट आपने कैश में कर दिया

है और वो कैपिटल असेट डेप्रिशिएबल असेट और उसको आप अपने बिजनेस में यूज करते हैं तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे जो एफ एम वी सेक्शन ट्वेंटी एट में पीजीबीपी में टैक्सेबल हुआ था ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन वही एफ एम वी आपकी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी एक्सप्लेनेशन नंबर टू ये बोलती है कि अगर आपको कोई असेट है वो गिफ्ट में मिली है या विल में मिली है या इनहेरिटेंस में मिली है तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट कॉस्ट क्या लेंगे टू द प्रीवियस ओनर माइनस एक्चुअली अलाउड टू हिम जो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट था माइनस जितना उसको डेप्रिशिएशन अलाउ हो गया था वो आप लेस कर दीजिए जो भी बचेगा दैट विल बी योर एक्चुअल कॉस्ट एक्सप्लेनेशन नंबर थ्री ये बोलती है कि अगर कोई भी असर्ट है वो आप एक्वायर करते हो और वो हायर वैल्यू पे एक्वायर करते हो एंड योर इंटेंशन इट इज टू क्लेम द डेप्रिशिएन हायर कॉस्ट आपका इंटेंशन है हायर कॉस्ट पर डेप्रिशिए क्लेम करना और हायर वैल्यू पे आप असेट को एक्वायर करते हो तो योर एक्चुअल कॉस्ट विल बी डिटर्माइन बाय द असेसिंग ऑफिसर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द ज्वाइंट कमिश्नर मिस असेसिंग ऑफिसर की अप्रूवल लेकिन जॉइंट कमिश्नर है वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट निकालेगा एक्सप्लेनेशन नंबर फोर ये बोलती है कि अगर कोई भी असट है जो पहले आपकी थी

डब्ल्यू डीवी एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफर और रि एक्शिशन कॉस्ट विच एवर इज लोअर एक्सप्लेनेशन नंबर फोरती है कि अगर कोई असैट है जो आप खरीदते हो और सेम पर्सन को लीज बैक कर देते हो अगर आप एक्वायर करते हो एंड लीज बैक कर देते हो सेम पर्सन को तो उस केस में जो भी सेलर था ना उस सेलर का WDV ही आपका एक्चुअल कॉस्ट बनेगा तो फोर क्या बोलता है कि अगर कोई असट है वो आप एक्वायर करते हो और सेम पर्सन को अगर आप लीज बैक कर देते हो तो जो सेलर का डब्ल्यू था वो तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा एक्सप्लेनेशन नंबर फाइव ये बोलती है कि अगर कोई बिल्डिंग है जो पहले किसी अदर पर्पज के लिए यूज होती थी अब आप उसको बिजनेस में लेके आते हो

ओनली बिल्डिंग के लिए है अदर असेट के लिए नहीं है उसके बाद में एक्सप्लेनेशन नंबर आपका जो सिक्स है 7A, 7A है, ये सिमिलर एक्सप्लेनेशन है कि अगर कोई होल्डिंग कंपनी हंड्रेड परसेंट कंपनी को असेट ट्रांसफर करती है सब्सिडी होल्डिंग करती है या फिर अमल में जब असेट ट्रांसफर होती है या फिर रिजल्टिंग तो आगे वाले के लिए एक्चुअल होगा पता है अगर वो ब्लॉक की असेट है तो जो उसका डब्ल्यूडीवी था वो एज इट इज एक्चुअल की थी तो जो उसका एक्चुअल था वो एज इट एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा एक्सप्लेनेशन नंबर एट बोलती है कि अगर कोई असेट है वो आप लोन लेके खरीदते हैं

कॉस्ट कॉस्ट है वो एज इट इज और एक्चुअल आप ले लेंगे किसके लिए कंपनी के लिए एक्सप्लेनेशन नंबर थर्टी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा एक्सप्लेनेशन नंबर इलेवन में आपको बता देता हूं एक्सप्लेनेशन नंबर इलेवन क्या बोलती है पता है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है जिसने इंडिया के बाहर कोई असट एक्वायर की थी इंडिया के बाहर कोई असेट है वो एक्वायर की थी पहले बाहर यूज करते थे लेकिन अब उन्होंने इंडिया में ला ली और इंडिया में लाके इंडिया के में बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज कर रहे हैं तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी है उस नॉन रेजिडेंट ने जितने में एक्वायर किया था माइनस आप डेप्रिशिएशन लेस कर दीजिए ऑन द अजम्पन दैट के दैट अट इज यूज इन इंडिया अगर उसको इंडिया में यूज किया होता तो कितना डेप्रिशिएशन अलाउ होता वो लेस कर दीजिए जो बचेगा दैट इज कॉल योर एक्चुअल कॉस्ट अब एक और चीज समझना यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन होती है सेवन फोर्टी थ्री सिक्स की और ये एक्सप्लेनेशन ये बोलती है कि जब भी आपका पार्टली इनकम बिजनेस है और पार्टली एग्रीकल्चर है ये कौन सा होता है आपका टी कॉफी रबर के केस में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ग्रोइंग ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी कॉफी एंड रबर है तो उसमें आपको पता है वो फोर्टी सिक्सटी होता है इन केस ऑफ द टी क्या होता है फॉर्टी सिक्सटी होता है इन केस ऑफ कॉफी अगर ग्रोन एंड क्योर है तो ट्वेंटी फाइव होता है ग्रोन क्यों रोस्टेड ग्राउंडेड है तो फोर्टी सिक्सटी होता है एंड रबर के केस में थर्टी फाइव होती है अब एक बात समझना थर्टी फाइव होता है अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना सर ज्यादा वाला कौन सा है कम वाला कौन सा है हमेशा ध्यान रखना ज्यादा वाला परसेंटेज एग्रीकल्चर का है इंडिया में मोर पीपल आर एंगेज इन द एग्रीकल्चर सो ऑलवेज रिमेंबर दैट हायर है वो एग्रीकल्चर है तो जब भी 40 60 होगा तो 40 तुम्हारा क्या होगा बिजनेस होगा एंड 60 एग्रीकल्चर होगा या ट्वेंटी फाइव सेवेंटी फाइव है तो ट्वेंटी फाइव इज बिजनेस एंड सेवेंटी फाइव इज एग्रीकल्चर एक चीज ध्यान रखना अगर आपका पार्टली बिजनेस है पार्टली एग्रीकल्चर है तो भी आप डेप्रीशिए जब कैलकुलेट करेंगे ना तो डेप्रीशिएशन ऐसे कैलकुलेट करेंगे जैसे आपका पूरा ही बिजनेस है और जो भी डेप्रिशिएशन आता है वो डेप्रिशिए आपको ब्लॉक में से लेस करना है

आपने टू इयर्स तक ऐसे मेथड से डेप्रीशिएशन लिया ट्वेंटी अभी आपका डब्ल्यू डीवी है एटी आपने क्या किया उस एसेट को बेच दिया अगर आपने उसको बेच दिया सेवेंटी टू में तो यहां पर डब्ल्यूडीबी से कम पैसा आया तो आपको लॉस हो गया पीएनडल के डेबिट में डाल दीजिए इसको बोलेंगे टर्मिनल डेप्रिशिएशन इसको बोलेंगे टर्मिनल डेप्रीशिएशन सीधा पीएनडल के डेबिट में डाल दीजिए अगर आपको डब्ल्यूडीबी से ज्यादा पैसा आया जैसे आपने एटी नाइन में बेचा डब्ल्यूडीवी वॉज एटी तो यहां नाइन ज्यादा आया ना यह आपका बैलेंसिंग चार्ज है पीएनडल के क्रेडिट साइड में डाल दीजिए दैट इज द पीजीबीपी इनकम लेकिन अगर मान लो आपने 117 में बेचा तो जब आप 117 में बेचते हैं तो उस केस में बेचते आपको टोटल है वो 37 का हुआ लेकिन बेटा 20 का जो प्रॉफिट तो तक जो 20 आया ट्वेंटी इज योर नोशनल प्रॉफिट इट पीजीबीपी एंड सेवन जो है वो तुम्हारे कैपिटल गेन में जाएगा और इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोला जाएगा तो देखो मैंने क्या बोला डब्ल्यूडीवी से कम पैसा आया पी एंडल के डेबिट में डाल दीजिए डब्ल्यूडीबी से ज्यादा पैसा आया बट कॉस्ट से कम है कॉस्ट है उसको के क्रेडिट साइड में में पीजीबीपी हेड लेकिन जो कॉस्ट से भी ज्यादा पैसा आता है वो तुम्हारे कैपिटल गेन में जाएगा एंड दैट इज योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अब एक और चीज समझना गवर्नमेंट ग्रांट अगर जो कोई भी मिलता है क्या वो टैक्सेबल होगा आंसर इज यस ध्यान रखना अगर गवर्नमेंट से कोई भी सब्सिडी मिलता है भले वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है या नहीं है मैंने सेक्शन 28 में एक्सपोर्ट वाला बताया था बट कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है या ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा अगर वो गवर्नमेंट से मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑफ बॉडी हो उससे अगर मिला इट इज टैक्सेबल लेकिन एक चीज ध्यान रखना अगर वो असेट से रिलेटेड तो असेट की एक्चुअल कॉस्ट में से लेस हो जाएगा लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है एक चीज ध्यान रखना अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का ट्रस्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ट्रस्ट को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एज अ कॉर्पस कोई गवर्नमेंट ग्रांट दिया एज अ कॉर्पस कोई गवर्नमेंट ग्रांट दिया देन इट इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल वो टैक्सेबल नहीं होगा एज वेल well एज ध्यान रखना जो बहुत बार क्या होती है जो एलपीजी से रिलेटेड सब्सिडी वगैरह मिलती है जो आपके लाइक इंडिविजुअल बेनिफिट के वेलफेयर के लिए मिलती है तो वो टैक्सेबल नहीं होती अब यहां पे एक और चीज समझना कि जो भी अनएब्सॉर्ब एप्रिशिएशन होता है वो क्या होता है अनएब्सॉर्ब एप्रीशिएशन अगर आपकी बिजनेस की इतनी इनकम भी

जब कैरी फॉरवर्ड होता है ना तो फ्यूचर ईयर में जाके किसी भी हेड से हो सकता, salary. Salary को छोड़ ऑफ हो सकता है अब एक और चीज समझना अगर कोई असेट है वो पार्टली बिजनेस के लिए यूज होती है एंड पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज होती है तो उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर है मीन जैसे रेंट रेट टैक्सेस वगैरह कोई भी उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर पार्टली अलाउ होंगे पार्टली डिसउड होंगे वो असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा डेप्रीशिएशन भी पार्टली अलाउ होगा पार्टली डिस होगा लेकिन एक चीज ध्यान रखना अगर डेप्रिशिए पार्टली अलाउ होता है तो ब्लॉक में से क्या पूरा डेप्रीशिएशन लेस होगा या ओनली पार्टली लेस होगा राइट आंसर इज ओनली पार्टली लेस होगा क्योंकि ब्लॉक में से लेस क्या करते हैं एक्चुअली अलाउड टू दी तो जितना एक्चुअली अलाउ होता है वही आपके ब्लॉक में से लेस हो जाएगा तो यहां पे आपका डेप्रिशिएशन कंप्लीट हो जाता है नाउ स्टार्ट करते हैं सेक्शन 33 ए एंड ए पहले हम बात करेंगे सेक्शन 33 ए की सेक्शन 33 ए क्या बोलती है कि अगर कोई असेसी है एनी पर्सन कोई भी असेसी हो सकता है अगर वो टी कॉफी या रबर के ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान रखना टी कॉफी रबर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में है तो उसको एक 33 थ्री एबी का डिडक्शन मिलता है ये डिडक्शन कैसे मिलता है आपको कुछ नहीं करना आपको कुछ पैसा नाबार्ड में जमा कराना पड़ता है लेकिन नाबार्ड के साथ आपको डिपोजिट कब तक करना है पता है टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग या फिर सिक्स मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर विच एवर इज अर्लियर स आपका जो रिटर्न फाइलिंग का ड्यूडेट आएगा वो ड्यूडेट या सिक्स मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर विच एवर इज अर्लियर टाइम में आपको नाबार्ड के साथ में पैसा जमा कराना है तो आपको यहां पर डिडक्शन मिल जाएगा लेकिन डिडक्शन कितना मिलेगा तो आप एक काम करिए जितना आपने डिपोजिट कराया वो वाला अमाउंट या फिर आपका जो इनकम आता है बिजनेस का जो इनकम आता है उसका फोर्टी परसेंट एवर इज लोअर बिफोर दिस डिडक्शन आप बिजनेस का इनकम ऐसे निकालेंगे पी वगैरह बनाएंगे ऑल आप फॉलो करेंगे इस सेक्शन को लेने से पहले आपका इनकम कितना आता है उस इनकम का फोर्टी परसेंट एंड जितना आपने डिपोजिट किया विच एवर इज लोअर है उतने का आपको डिडक्शन मिल जाएगा लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखना आप लोग करके ठीक है अगर उस पैसे को आप कभी भी मिस यूटिलाइज कर दिया आपने आगे जाके तो उस केस में जितना आपने डिडक्शन पहले लिया था वो वापस से आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा अब यहां पे एक और चीज समझना बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये बोलता है कि जिस ईयर में अब क्वेश्चन ये आता है कि सर उस पैसे को यूज क्या करेंगे जो नाबार्थ में डिपोजिट किया है यू हैव टू यूज एज पर द द स्कीम प्रिस्क्राइब बाय टी कॉफी एंड रबर बोर्ड जो टी कॉफी एंड रबर बोर्ड ने बोला हुआ है उसी चीज के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं उसके अलावा किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते लेकिन यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज ये आती है कि जिस प्रीवियस ईयर में आप उसको विथड्रॉ करेंगे ना उसी ईयर में उसको यूज करना पड़ेगा इवन आपने थर्टी मार्च को विड्रॉ किया तो थर्टी मार्च को यूज करना है अदरवाइज वो वापस से आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा सो so, जिस प्रीवियस ईयर में आपने उसको विद्रॉ किया उसी प्रीवियस ईयर में उसको आपको यूज करना पड़ेगा लेकिन यहां पे एक चीज समझना सर किसके लिए यूज कर सकते हैं जो टी कॉफी रबर बोर्ड बोलेगा उस पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हैं लेकिन एक चीज समझना कुछ चीजें ऐसी है जिसके लिए आप यूज नहीं कर सकते आप प्लांटेड मशीनरी के लिए यूज कर सकते आंसर इज यस कोई दिक्कत नहीं लेकिन एक चीज ध्यान रखना अगर कोई ऑफिस में प्लांटेड मशीनरी यूज हो रहा है या रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में प्लांटेड मशीनरी यूज हो रहा है या फिर जो ऑफिस अपलायसेज है वो आप नहीं खरीद सकते तो देखिए ऑफिस वाला या रेसिडेंशियल अकोमोडेशन वाला ऑफिस अप्लायसेज आप नहीं खरीद सकते लेकिन एक, एक इसका एक्सेप्शन है आप कंप्यूटर खरीद सकते हैं आप कंप्यूटर खरीद सकते हैं कोई दिक्कत नहीं कंप्यूटर को छोड़कर बाकी कोई ऑफिस अपलायसेज आप नहीं खरीद सकते एज वेल एज द कोई भी ऐसा प्लांटेड मशीनरी आप नहीं खरीदेंगे जिसपे ऑलरेडी हंड्रेड परसेंट पीजीबीपी में रिडक्शन मिलता है प्लांट प्लांटेड मशीनरी आप नहीं खरीदेंगे अब एक और चीज समझना सर अगर मान लो हमने विड्रॉ किया पैसा नाबार्ड से और उसको हमने एज पर स्कीम यूटिलाइज किया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ही लिए तो क्वेश्चन आता है कि क्या इस साल में वो होगा? किया, तो अब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं होगा लेकिन अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जैसे आपने कोई एंड मशीनरी वगैरह खरीदी तो उसके उस हम डेप्रिशिएशन ले सकते आंसर इज यस आप डेप्रिशिएशन ले सकते टेट कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहां पे कंडीशन है कि जिस ईयर में आप प्लांटेड मशीनरी एक्वायर करते हैं उस ईयर के एंड से 8 इयर्स के अंदर-अंदर वो प्लांटेड मशीनरी आप बेच नहीं सकते अगर आपने वो पैसा विथड्रॉ किया और उस पैसे से आपने कोई प्लांटेड मशीनरी खरीदी तो जिस ईयर में आपने एक्वायर किया उस ईयर के एंड से 8 इयर्स तक वो प्लांटेड मशीनरी आप बेच नहीं सकते अगर आपने उसको ट्रांसफर किया तो देखिए प्लांटेड मशीनरी पे तो आपको कैपिटल गेन आएगा तो आएगा ही आएगा वो तो लेकिन जितना आपने पहले डिडक्शन 33 AB में लिया था तो वो आपके लिए वापस से वापस से से पीजीबीपी का इनकम इनकम बन 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 जाएगा बन जाएगा जाएगा वो आपका क्या अब यहां पे एक और चीज ध्यान रखना लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है पहला एक्सेप्शन तो ये कि अगर मान लो आप वो वोट एट ईयर के अंदर अंदर गवर्नमेंट को बेच देते हैं लोकल ऑथोरिटी को बेच देते हैं स्टेच्यूटरी कॉरपोरेशन को बेच देते हैं या गवर्नमेंट कंपनी को बेच देंगे तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं या फिर अगर मान लो कोई भी तुम्हारा फर्म का कंपनी में कन्वर्जन हो जाता है और ऑल पार्टनर जो है वो शेयर होल्डर सक्सेशन हो जाता है तो उस केस में चलेगा कोई दिक्कत नहीं ये दो एक्सेप्शन है इन दो एक्सेप्शन छोड़ के बाकी किसी भी केस में वो असेट को आप एट इयर्स तक ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब एक और चीज समझना अगर आप 33 थ्री एबी का डिडक्शन लेना चाहते हैं तो उस ईयर में आपको ऑडिट करानी पड़ेगी मैंडेटरी है और जो ऑडिट की ड्यू डेट रहती है दैट इज रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से एक महीना पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ऑडिट रिपोर्ट है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट सबमिट करेगा अगर आपको यह डिडक्शन लेना है तो अब एक और चीज समझना यहां पे एक सिमिलर सेक्शन होती है दैट इज द थर्टी थ्री एबीए थर्टी थ्री एबीए ये बोलती है कि अगर इंडिया में कोई भी असएससी है वो असएससी प्रोस्पेक्टिंग एक्सट्रेक्शन या प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल गैस या पेट्रोलियम में है तो अगर कोई भी एसएससी है वो इंडिया में क्या करता है या तो प्रोस्पेक्टेशन का काम करता है प्रोस्पेक्टेशन मतलब ढूंढना एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना प्रोडक्शन मीन मैन्युफैक्चरिंग अगर वो मिनरल ऑइल्स या नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम से रिलेटेड अगर ये काम करता है तो उसको ये डिडक्शन मिल जाएगा ये डिडक्शन के लिए आपको क्या करना है एक साइट रेस्टोरेशन अकाउंट में पैसा डालना है आपको SBI के साथ में एक रेस्टोरेशन अकाउंट खोल सकते हैं और उसमें आपको पैसा डिपोजिट करना है लेकिन अपटू दिन ट्वेंटी टू तक पैसा है वो डिपोजिट करना पड़ेगा लेकिन डिडक्शन कितना मिलेगा जितना डिपोजिट किया और पीजीबीपी के इनकम का ट्वेंटी परसेंट बिफोर दिस डिडक्शन तो जो भी आपका पीजीबीपी का इनकम आएगा उसका 20% और एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड व्हिच एवर इज लोअर अब एक और चीज समझना वो पैसे को आपको यूज करना पड़ेगा एज पर द स्कीम नोटिफाइड बाय द लाइक स्कीम जो है वो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है और उनके हिसाब से आपको उस पैसे को यूज करना पड़ेगा अगर आप इसको मिस यूटिलाइज करोगे तो उस केस में वापस से आपका टैक्सेबल हो जाएगा अब यहां पे एक और चीज समझना जो मैंने बाकी सब चीजें बताई वो सिमिलर यहां पे भी लगेगी जैसे आप यहां यहां, यहां यूज नहीं कर सकते करके ठीक है वो यहां पे भी लगेगी एज़ वेल एज द मैंने आपको बताया कि अगर एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडि

या किसी कंपनी का होता है तो उस केस में टैक्सेबल नहीं होगा लेकिन बेटा थर्टी थ्री एबीएसियमचुर इट विल भी लेकिन में से जितना शेयर ने गवर्नमेंट को दिया फॉर एन एग्जाम्पल आपका अरेजमेंट ऐसा था कि वट एवर यू विल विद्रॉ थर्टेंट बिलोंग्स टू गवर्नमेंट तो थर्टी परसेंट अगर आपने गवर्नमेंट को दे दिया तो जितना सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया उसको छोड़कर रिमेनिंग अमाउंट है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाए आएगा अब यहां पर एक और चीज ध्यान रखना आप जब भी ये थर्टी थ्री एबी की बात करते हैं टी कॉफी एंड रबर वाले की केस में तो आपको क्या करना है पहले ऐसे बनाना है जैसे पूरा ही बिजनेस है और ये 33 AB का डिडक्शन भी पहले ले लेने का उसके बाद में लास्ट में लास्ट जो इनकम बचती है ना उसको आपको 40 -60 करना है मिस ये डिडक्शन आप पहले लेंगे उसके बाद में जो लास्ट में जो पीजीबीपी का इनकम आता है ना उसका आपको फोर्टी सिक्सटी करना है और फोर्टी परसेंट आपका बिजनेस इनकम एंड सिक्सेंट एग्रीकल्चर इनकम यहां पर एक और चीज समझना अगर आपका यहां पर मिस यूटिलाईजेशन एंड ऑल होता है तो आपके लिए वो वापस से टैक्सेबल होगा तो टैक्सेबल होता है टाइम

ठीक है सिप्ला है रिसर्च भी चल रहा है बिजनेस भी चल रहा है तो उस केस में क्या होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप हंड्रेड परसेंट डिडक्शन ले लीजिए एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर पे लैंड को छोड़ के बाकी पे आप हंड्रेड परसेंट डिडक्शन ले सकते हैं तो मैंने क्या बोला रिसर्च ड्यूरिंग द बिजनेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 परसेंट डिडक्शन लैंड को और कैपिटल एक्सपेंडिचर में लैंड को छोड़ के बाकी पे आप 100 परसेंट डिडक्शन ले सकते हैं उसके बाद में हम चलते हैं रिसर्च बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपका बिजनेस तो है ही नहीं बट आप रिसर्च कर लेते हैं तो उस केस में जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो रिसर्च के एक्सपेंडिचर थे उसका डिडक्शन मिलेगा आंसर इज यस लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखना मैक्सिमम थ्री इय मैक्म थ्री कि भैया रेवेन्यू में ओनली मटेरियल एंड सैलरी का हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिलेगा बाकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा तो देखिए मैंने क्या बोला बिजनेस कमेंस करने से पहले के मैक्सिमम थ्री इयर्स के एक्सपेंडिचर का आपको डिडक्शन मिलेगा और उसमें भी रेवेन्यू में सिर्फ मटेरियल एंड साइंटिफिक का जो जो साइंटिस्ट होते हैं उनका सैलरी मटेरियल एंड सैलरी का 100 परसेंट डिडक्शन मिलेगा बाकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे डिडक्शन नहीं मिलेगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर में लैंड को छोड़ के बाकी पे आपको 100 परसेंट डिडक्शन मिल जाएगा एक और चीज ध्यान रखना रेवेन्यू में आप सैलरी और मटेरियल का डिडक्शन लेंगे बट सैलरी में पर नहीं आएगा पर क्यूजिट पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा अब एक चीज समझना एक और सेक्शन होती है थर्टी ए बी करके ठीक है थर, सॉरी थर्टी फाइव टू ए बी करके थर्टी फाइव टू ए बी आजकल ज्यादा रिलेवेंट है नहीं ऐसा क्यों है थर्टी फाइव टू कि अगर कोई भी कंपनी है एंड रिसर्च प्रिस्क्राइब दिस्क्राइबरिटी तो रेवेन्यू एंड द कोर्स ऑफ बिजनेस हो रहा है हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिल जाएगा एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग अब एक बात बताओ ऐसे भी तो हंड्रेड परसेंट मिलता है तो यहां थर्टी फाइव टू ए बी की जरूरत क्या है थर्टी फाइव टू ए बी का रिलेवेंस पहले हुआ करता था जब थर्टी फाइव टू ए बी में अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होती थी तो 150 फिफ्टी परसेंट टू परसेंट पहले डिडक्शन मिलता था बट नाउ इट इज अंड्रेड परसेंट सो दिस इज नॉट मोर रिलेवेंट बट यू जस्ट न रिमेबर एज अ सेक्शन करके थर्टी फाइव टू एक्शन है तो ऑल रेवेन्यू कैपिटल एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग देखो लैंड पे तो ऐसे भी नहीं मिलता बट बिल्डिंग पे नॉर्मल कोर्स में मिल जाएगा ना बिल्डिंग सेन फोर उसके हिसाब से मिल जाएगा एंड बाकी वाले जो रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पर आप थर्टी फाइव टू ए बी में डिडक्शन ले लेंगे कंपनी केस के में अब एक बात बताओ ये लास्ट वाला आपको समझ में नहीं आया तो भी छोड़ दो सिर्फ मैं जो बोल रहा हूं इतना याद रखिए तो देखिए मैंने क्या बोला रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस रेवेन्यू पे 100 परसेंट ले लीजिए कैपिटल में लैंड को छोड़ के बाकी हंड्रेड परसेंट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में मैक्सिमम थ्री इयर्स के खर्चों का डिडक्शन मिलेगा रेवेन्यू में सिर्फ सैलरी एंड मटेरियल का डिडक्शन मिलेगा बाकी का नहीं मिलेगा और आपका कैपिटल में लैंड को छोड़ के बाकी पे हंड्रेड डिडक्शन मिल जाएगा अब क्वेश्चन ये आता है अगर आप किसी को डोनेशन देते हैं दैट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर या डोनेशन टू आउटसाइडर तो क्या उसका भी डिडक्शन ले सकते हैं आंसर इज यस लेकिन किसको डोनेशन दिया सबसे पहले अगर आपने डोनेशन दिया अप्रूव्ड राहुल आईसीओ को राहुल आईसीयू का मतलब होता है राहुल का मतलब रिसर्च एसोसिएशन आई का मतलब इंस्टीट्यूट सी का मतलब कॉलेज और यू, यू का मतलब यूनिवर्सिटी तो अगर आपने अप्रूव्ड राहुल आईसीयू को डोनेशन दिया साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप 100 परसेंट डिडक्शन लेंगे सोशल स्टेटिस्टिकल रिसर्च के लिए तो भी आप हंड्रेड परसेंट डिडक्शन लेंगे अगर आप किसी इंडियन कंपनी को देते हैं जो अप्रूव है और साइंटिफिक रिसर्च के लिए देते हैं और वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एंगेज है आपको हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिल जाएगा अगर आप आई नेशनल लेबोरेटरी को डोनेशन देते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो भी आपको हंड्रेड डिडक्शन है वो आपको मिल जाएगा

जैसे असट में आपने लैंड एंड बिल्डिंग साथ में एक्वायर की तो सर लैंड पे डिडक्शन तो नहीं मिलेगा लेकिन बिल्डिंग पे तो मिलेगा तो कैसे क्या करेंगे कैसे पता चलेगा बिल्डिंग का वैल्यू एंड लैंड का वैल्यू आपको एफ एम वी वाइस उसको बाइफर्केट करना पड़ेगा लैंड पे डिडक्शन नहीं मिलेगा बिल्डिंग वाले पार्ट पे डिडक्शन मिल जाएगा अब अगर आप 35 में 100% परसेंट डिडक्शन असट पे लेते हैं, तो क्या डेप्रीशिएशन मिलेगा आंसर इज नो आपको डेप्रिशिएशन नहीं मिलेगा अब एक और चीज समझना जो अनएब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च के होते ना इट इज लाइक अनएब्सॉर्ब एप्रिशिएशन और इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम्स के लिए और इन फ्यूचर में जाके भी आप किसी भी हेड से सेटअप कर सकते हैं अदर देन सैलरी अब एक और चीज समझना भैया

वो इंस्टीट्यूशन क्या करेगी पता है, एक स्टेटमेंट सबमिट करेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन द फॉर्म नंबर टेन बी डी करके एक फॉर्म है टेन बीडी और टेन बी में वो इंस्टीट्यूशन क्या करेगी वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपसे रिलेटेड डिटेल सबमिट करेगी थर्टी फर्स्ट मे तक इन सिंपल वर्ड में ऐसा बोल दू थर्टी फर्स्ट मे ऑफ ईयर एंड दूसरी चीज आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट करेगी डोनर जो होगा उसको एक सर्टिफिकेट अलॉट करेगी अगर ये दोनों चीजें हुई तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा तो अगर आपने डोनेशन दिया तो पहली चीज तो थर्टी फर्स्ट मे ऑफ द असेसमेंट ईयर तक वो इंस्टीट्यूशन है वो क्या करेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक स्टेटमेंट फाइल करेगी और उसके साथ साथ में आपको एक डोनेशन का सर्टिफिकेट देगी अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तभी आपको डिडक्शन मिलेगा मैं बता दूं इस बार से जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे उसमें सब चीजें प्रीफिल्ड रहेगी और पहले से उसमें ऑलरेडी रहेगा आपके return file करते कि आपने ये donation दिया था तब ये आपको मिलेगा। उसके बाद में next section आती है एबीबी मतलब, का मतलब अभिषेक बच्चन करके वो आइडिया की ऐड करता है टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस इसको याद रखेंगे तो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस पे जो भी आप खर्चा करते हैं क्या उसका डिडक्शन ले सकते हैं या नहीं? आंसर इसका डिडक्शन आप ले सकते हैं एंड इट कैन बी अमोरटाइज ओवर द लाइफ ऑफ द लाइसेंस मीन जितना आपका लाइसेंस का लाइफ है उतने टाइम में आप उसको अमोरटाइज कर सकते हैं जैसे आई कैन टेक एग्जांपल कि आपने 10 करोड़ का लाइसेंस लिया और 10 इयर्स का उसका लाइफ है तो आप 1 1 करोड़ का डिडक्शन एवरी ईयर ले लीजिए लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखना डिडक्शन कैसे डिडक्शन आपको तभी मिलेगा जब आपने एक्चुअल लाइसेंस फीस पे किया है तो अगर आपने लाइसेंस फीस का एक्चुअल में पेमेंट किया है तो ये आपको डिडक्शन टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस के लिए आपने जो पेमेंट किया उसका डिडक्शन मिलेगा फ्रॉम द ईयर इन विच पेमेंट इज मेड टिल द ईयर इन विच लाइसेंस विल एक्सपायर लेकिन सर मान लो लाइसेंस आपने बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लिया तो बिजनेस तो है ही नहीं आपने लाइसेंस ले लिया और लाइसेंस फीस भी पे कर ली तो डिडक्शन आपको लाइसेंस फीस पे किया उस ईयर से नहीं मिलेगा दैट विल बी अलाउड फ्रॉम द ईयर इन विच बिजनेस इज कमेंस टिल द ईयर इन विच लाइसेंस विल एक्सपायर सो इन सिंपल वर्ड मैं ऐसा बोल दू, कि लाइसेंस समेंट ऑफ बिजनेस जैसे आज आपका वोडाफोन आइडिया है या फिर मान लोक एयरटेल है तो इन्होंने तो और आपने लाइसेंस ले लिया फीस भी पे कर दी देन डिडक्शन विल बी अलाउड फ्रॉम दर इन विच बिजनेस इज कमेंस टिल दर इन विच लाइसेंस विल एक्सपायर अब एक चीज समझना अगर आप लाइसेंस को बेच देते हो तो उसके क्या होगा सेम वैसा का वैसा जैसा मैंने टर्म टर्मिनल डेप्रीशियशन बैलेंसिंग चार्ज में पढ़ाया था सेम वैसा का वैसा करके ठीक है जो मैंने आपको टर्मिनल डेप्रीशिएशन बैलेंसिंग चार्ज में पढ़ाया था वैसा का वैसा यहाँ पे होगा लेकिन एक चीज समझना अगर आप पार्ट लाइसेंस बेच देते हैं

लाइसेंस और यहां पे 35 ए बी ए में लिखा हुआ है आपका टेलीकम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम तो जब भी टेलीकम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम अगर आए तो 35 ए बी ए सेक्शन लिखनी है और अगर टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस आता है तो 35 ए बी बी लिखनी है अब एक और चीज समझना जब आप यहां पे डिडक्शन ले लेते तो क्या आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा ऑब्वियसली आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा लेकिन सर मान लो अमलगमेशन डीमर्जर हो जाता है तो अगर फॉर एन एग्जाम्पल टेन ईयर्स तक डिडक्शन मिल रहा था बट अमलगमेशन डीमर्जर हो गया तो उस केस में क्या होगा मैं बता दू जिस ईयर में अमलगमेशन डीमर्जर होगा उस ईयर एंड रिमेनिंग ईयर के लिए न्यू कंपनी को डिडक्शन मिल जाएगा जो न्यू कंपनी है उस न्यू कंपनी को डिडक्शन मिलेगा जिस ईयर में अमलगमेशन डीमर्जर हुआ था उस ईयर एंड उसके फ्यूचर वाले ईयर में अब एक सेक्शन होती है थर्टी फाइव सीसी एंड थर्टी फाइव सीसी डी थर्टी फाइव सीसी क्या बोलती है कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पे अगर आपने कोई खर्चा किया एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पे खर्चा किया तो यहां पे हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिल जाता है ऑन द ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के बाकी सब पे डिडक्शन मिल जाता है थर्टी फाइव सीसीडी क्या बोलती है थर्टी फाइव सीसी ये बोलती है कि अगर स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे कोई खर्चा करते हैं तो हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिल जाएगा ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग लेकिन इसमें एक फर्क है एक फर्क यह है कि 35 फाइव ट्रिपल सी जो सेक्शन है ना वो ऑल एस सीसीडी सेक्शन के लिए है, है, वो सिर्फ कंपनीज के लिए है। और इन दोनों में 100 निर्मला सीतारामन जी ने बहुत अच्छा कर दिया कि जो वेटेड डिडक्शन थे सब हटा दिए उड़ा दिए और बोला सब जगह हंड्रेड डिडक्शन ही मिलेगा तो देखिए थर्टी फाइव इज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज फॉर स्किल डेवलपमेंट इज फॉर ऑल एस एस इज ओनली फॉर नी दोनों में हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिलता है एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के ठीक है चलिए अब अपन

सेंट इट कम्स टू द लैख लाख सो विच एवर इज लोअर कम्स टू सो लैख लाख अलाउ होगा इन द फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट मीन लाख वन लाख वन लाख वो अलाउ हो जाएगा लेकिन एक और चीज समझना अगर इंडियन कंपनी है तो इंडियन कंपनी के पास में ये ऑप्शन है कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की जगह कैपिटल एम्प्लॉयड ले सकते हैं तो ऑब्वियसली जब आपको ऑप्शन दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड तो आप क्या लेंगे विच एवर इज हायर तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड में से जो भी हायर वाला रहेगा उसका आप फाइव करेंगे ये सिर्फ इंडियन कंपनी के पास में ऑप्शन है एक और चीज समझना प्रिलिमरी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन सिर्फ रेजिडेंट एस को मिलता है

नए बिजनेस के लिए एक्सटेंशन के लिए या नया यूनिट सेटअप किया उसके लिए फिक्स असेट में कितना इन्वेस्ट किया दैट इज कॉल योर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट फिक्स असेट में कितना इन्वेस्ट किया दैट इज कॉल योर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि जो भी तुम्हारा शेयर कैपिटल है प्लस डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग लास्ट डेट पे देखेंगे कि शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस डिबेंचर उस नए बिजनेस के लिए या एक्सटेंशन के लिए या नए यूनिट के लिए कितना लगा दैट इज कॉल योर कैपिटल

के लिए इन दिस केस केस इट ऑलवेज बेनिफिशियल इन ऑफ अमलगमेशन अमलगमेशन के company, के शुड बी बाय द न्यू कंपनी खर्चे उसके बाद एक सेक्शन होती है थर्टी 35 35 डीडीए आप रिटायरमेंट स्कीम में अगर एम्प्लॉय को कुछ आपने कंपनसेशन दिया तो उसका खर्चे का में मिल जाएगा और यहां पे को ये मिलता है ऑल एस को रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट सबको मिलेगा फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिल जाएगा अब यहां पे एक चीज समझना जो सेक्शन थर्टी डी है एंड थर्टी फाइव डी डी एज वेल एज दर्टी फाइव डी डी ए डी मिस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड बी अगर अमलगमेशन डी मर्जर हो जाता है तो उस केस में जिस ईयर में अमलगमेशन डी हुआ उस ईयर एंड फ्यूचर वाले जो रिमेनिंग फाइव जो बचेंगे वो न्यू को डिडक्शन मिलेगा एंड एक चीज समझना के, के केस में तो अगर सक्सेशन भी हो जाता है सक्सेशन का मतलब क्या होता है प्रोपराइटर टू कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म टू कंपनी और स्मॉल स्मॉल कंपनी टू एल एल पी तो उस केस में रिमेनिंग डिडक्शन है वो न्यू एस को मिल जाएगा अब सेक्शन आती है थर्टी फाइव एडी

सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन इंडिया अगर मान लो ये फोर्टीन में से आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर आपको हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिल जाएगा ये फोर्टीन बिजनेस कौन से आपको कितना याद रखना है देखिए सबसे पहले ऐसे याद रखिए कोल्ड चेन फैसिलिटी वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज वेल एज द वेयर हाउस फॉर सुगर आ गया ठीक है facility, as well as उसके बाद में नेचुरल गैस पेट्रोलियम पाइपलाइन एज वेल एज द स्लरी पाइपलाइन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन और फिर आप याद रखेंगे हॉस्पिटल है वो हंड्रेड बेड और मोर वाला होटल टू स्टार और अबोव कैटेगरी वाला करके ठीक है उसके बाद में आपका बी कीपिंग बी हनी बी वैक्स वाला बिजनेस कंटेनर डेपो कंटेनर स्टेशन प्रोडक्शन ऑफ द लाइक फर्टिलाइजर इन इंडिया एज वेल एज द सेमी कंडक्टर वेफर फेब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अगर ये आप 14 बिजनेस करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आपको 100% परसेंट डिडक्शन मिल जाएगा अब क्वेश्चन है या है? Right चाहे तो सेक्शन में ले सकता है कुछ कंडीशन है।, है कि भैया यहां पर इस सेक्शन में डिडक्शन तभी मिलेगा जो बिजनेस न्यू होना चाहिए वो आपका स्प्लिटअप या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्जिस्टिंग बिजनेस नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वगैरह कर दिया बिजनेस न्यू है तो ही आपको यहां पर डिडक्शन मिलेगा दूसरी चीज इस बिजनेस सेकंड चल सकता है एंड एक और एक्सेप्शन है कि इंडिया के बाहर से अगर कोई ऐसा प्लांटेड मशीनरी आप इंपोर्ट करते हो जिसपे इनकम टैक्स एक्ट में कभी डेप्रिशिएशन नहीं लिया था इवन वो सेकंड है तो भी वो न्यू माना जाएगा ओनली फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन मैंने क्या बोला देखिए सबसे पहली चीज प्लांटेड मशीनरी न्यू होना चाहिए बट सेकंड हो सकता है कौन सा एक तो टोटल प्लांटेड मशीनरी का 20% और इंडिया के बाहर से अगर आपने कोई इंपोर्ट किया, डिडक्शन तो मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर तो क्या ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर पर के देर आर थ्री एक्सेप्शन लैंड गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लैंड गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लैंड गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन तीन पे डिडक्शन नहीं मिलेगा बाकी जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पर आपको हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिल जाएगा अब एक और चीज समझना है यहां पे अगर कोई भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं इन अ सिंगल डे टू अ सिंगल पर्सन टेन थाउजेंड से ज्यादा है तो वो अकाउंट पे ही चेक अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ही करेंगे अगर आप कैश में करते हैं तो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आप थर्टी में डिडक्शन ले लेते हो क्या मिलेगा ऑब्वियसली इज नॉट अलाउड अब स्पेसिफाइड बिजनेस के जो लॉसेज होते हैं ना वो लॉसेज देखो इनिशियल ईयर में तो लॉसेज ही आएंगे बिकॉज हंड्रेड परसेंट डिडक्शन पी एंडल के डेबिट में डाल रहे हैं एक चीज ध्यान रखना कि स्पेसिफाइड बिजनेस के जो लॉसेज होते हैं ना वो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेट ऑफ हो सकते हैं मीस

थर्टी फाइव एडी के लिए एलिजिबल है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बट वो स्पेसिफाइड बिजनेस होना चाहिए अगर वो स्पेसिफाइड बिजनेस है तो उसके प्रॉफिट सेटअप हो सकता है जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं मैंने मुंबई में एक होटल चालू किया जो टू स्टार और वो कैटेगरी और वो अभी चालू किया है और मेरे पास एक होटल माउंट आबू में भी है जो फोर स्टार है होटल है और वो पंद्रह बीस साल से है मीन्स दैट इज लाइक 20 साल पहले स्टार्ट हुआ था मीन्स ये सेक्शन आने से पहले स्टार्ट हुआ था तो उस होटल पे तो मेरे को डिडक्शन 35 एडी में नहीं मिला था लेकिन अब मुंबई का जो होटल है उस पर डिडक्शन लेता हूं मुंबई की होटल का लॉस है क्या मैं माउंट आबू की होटल से सेट ऑफ कर सकता हूं आंसर इज यस कर सकता हूं यहाँ पे इंस्टीट्यूट का कहना यह है कि जो माउंट आबू वाला है वो थर्टी एडी के लिए एलिजिबल नहीं है बट वो स्पेसिफाइड बिजनेस तो है ही है ना वो टू स्टार और अबो कैटेगरी का होटल तो है तो उस केस में उसके सामने जो है वो सेट ऑफ कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और उसके बाद में जो भी तुम्हारे लॉस

लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है दैट इज होटल के केस में अगर होटल के आपने ऑपरेशन किसी और को ट्रांसफर कर दिए तो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है तो होटल के ऑपरेशन आपने किसी और को ट्रांसफर कर दिए तो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है अब एक और चीज समझना ये तुम्हारा जो क्रॉस कंट्री पाइपलाइन वाला है एज वेल एज द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है उसके लिए कंडीशन यह है कि सिर्फ इंडियन कंपनी ही कर सकती है और कॉन्स्टोरियम ऑफ द इंडियन कंपनी कॉन्स्टोरियम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ द इंडियन कंपनी तो ये बिजनेस जो दो है वो सिर्फ इंडियन कंपनी कर सकती है या ग्रुप ऑफ इंडियन कंपनी कर सकती है एक और चीज समझना ये पेट्रोलियम नेचुरल

कि अगर कोई असेट आपने स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए एक्वायर की है तो जिस ईयर में आपने एक्वायर की ना उस ईयर से आपको एट ईयर्स तक उसी बिजनेस के लिए उसको यूज करना है एनी असेट इज एक्वायर्ड फॉर द स्पेसिफाइड बिजनेस तो आपको क्या करना है जिस ईयर में एक्वायर किया ना उस ईयर से एट ईयर तक आपको स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए ही उसको यूज करना है अब नहीं किया तो क्या होगा अभी मैं बता दू उससे पहले एक और चीज बता दू कि देखो जिस असेट पे आपने डिडक्शन लिया है थर्टी फाइव एडी में अगर आप उसको सेल करते तो सेलिंग प्राइस इज टेक्सेबल अंडर द इवन इफ इट इज सेल आफ्टर ट्वेंटी फाइव ईयर थर्टी ईयर्स फिफ्टी ईयर्स अगर आपने थर्टी फाइव एडी का डिडक्शन लिया उस असेट पे हंड्रेड परसेंट डिडक्शन लिया था और अगर आप उसको ट्रांसफर करते हो तो जो सेलिंग प्राइस होगा ना सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी वो तुम्हारे लिए पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा सेलिंग प्राइस विल भी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी लेकिन यहां पे अब एक चीज समझना लोग सेल करते थे तो पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाता था लोगों ने क्या किया स्पेसिफाइड बिजनेस से उसको नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में असेट को यूज करना चालू कर दिया तो लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं कि जो असट को आपने स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए एक्वायर किया है फ्रॉम द ईयर ऑफ एक्विजिशन विद इन एट ईयर यू कैन नॉट यूज फॉर एनी अदर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस अगर आपने नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज किया ना तो उसके इसमें क्या होगा पता है जितना पहले आपने डिडक्शन लिया था वो ले लीजिए जितना आपने डिडक्शन ले लिया था वो आपका पीजीबीपी का इनकम बन जाएगा तो मैंने क्या बोला विद इन एट ईयर यू कैन नॉट ट्रांसफर टू नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस अगर ऐसा किया तो जितना आपने डिडक्शन ले लिया था वो आपका पीजीबीपी का इनकम बन जाएगा लेकिन एक चीज समझना यहां पर इन्होंने थोड़ा रिलीफ दिया क्या दिया कि जितना आपने डिडक्शन लिया था वो ले लीजिए और उसमें से आप लेस करिए अगर डेप्रीशिएशन

है वो लेस कर दीजिए जो बचेगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी लेकिन एक बात बताओ अगर मान लो ऐसा हो गया तो अब आप नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में उस असेट को ले जा रहे हैं तो वहां ब्लॉक में भी तो ऐड करेंगे तो जब वहां ब्लॉक में ऐड करेंगे तो उसको कौन सी वैल्यू पे ऐड करेंगे तो ब्लॉक में ऐड करना है आप एक काम करिए सबसे पहले वो असेट कितने में खरीदी थी वो आप ले लीजिए और माइनस करिए कि नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ही अगर उसको स्टार्टिंग से यूज करते तो कितना डेप्रीशिएशन अलाउ हो जाता वो आप लेस कर दीजिए जो बचेगा दैट विल बी एडेड टू द ब्लॉक ऑफ असैट ये नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ब्लॉक ऑफ असेट में इसको एड करेंगे यहां पर देखिए मैंने बहुत ही शानदार वाली चीज दे रखी है करके ठीक है

अगर आप सेल कर देते हैं कभी भी सेल करते हैं तो सेलिंग प्राइस आपके लिए पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा इवन योर सेल प्राइस इज मोर देन कॉस्ट तो भी सेलिंग प्राइस है वो आपके लिए पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा यहां पे एक केस लॉ है दैट इज रिलेटेड टू द ब्रोज होटल प्राइवेट लिमिटेड टू थाउजेंड एटीन मद्रास इसमें क्या हुआ कि एक कंपनी है जिन्होंने थ्री स्टार होटल बनाई और थ्री स्टार होटल है वो स्टार्ट इस साल से कर दिया बिजनेस और इन्होंने अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट को एप्लीकेशन कर दिया कि होटल को रेटिंग रेटिंग दे दीजिए लेकिन इसका सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट अगले साल हुआ है, हुआ है इंस्पेक्शन लेट वो नेक्स्ट ईयर आया अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या करंट ईयर में भी डिडक्शन ले सकता है या नहीं वन सर्टिफिकेट इज रिस इन द नेक्स्ट ईयर यहां पे मद्रास हाईकोर्ट का कहना है आंसर इज यस देर इज नो मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ द एस एस सी ऑलरेडी मेड द एप्लीकेशन टू द गवर्नमेंट नाउ नाउर इज अ डिले फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज गवर्नमेंट ऑथोरिटी वो डिस

स yes, पीपल अब अपन चालू करते हैं सेक्शन 36 36 ये बोलती है कि यहाँ पे सर्टेन डिडक्शन है जो सेक्शन 36 में अलव होंगे सबसे पहले आपने स्टॉक इन ट्रेड का अपना इंश्योरेंस कराया जैसे ज्वेलरी शॉप वाला क्या करता है ज्वेलरी का इंश्योरेंस कराता है तो उसका प्रीमियम भी अलग हो जाएगा आंसर इज यस अलव हो जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है करके ठीक है अब एक चीज समझना ये जो फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती है जैसे अमूल वगैरह है वो लोग क्या करते हैं जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती है ना उनके पास जो एनिमल्स होते हैं जो कैटल होते हैं कैटल का इंश्योरेंस करवाते हैं तो क्या उसका प्रीमियम अलग

और 43 बी क्या बोलती है कि अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक वो बोनस एंड कमीशन का एक्चुअल में एंप्लॉय को पेमेंट करना पड़ेगा तो ही अलाउ होगा अदरवाइज अलाउ नहीं होगा लेकिन यहां पर एक चीज समझना क्या सर बोनस एक्ट से ज्यादा बोनस दिया जैसे बोनस एक्ट बोलता है वन सैलरी बोनस देना है बोनस एक्ट से ज्यादा बोनस दिया तो क्या वो भी अलाउ हो जाएगा आंसर इज यस वो भी अलाउ हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पे एक केस लॉ है रिलेटेड टू द शासन केमिकल ड्रग्स लिमिटेड करके ठीक है ये शासन वाले केस में क्या हुआ था समझने की कोशिश करना एक कंपनी है इस कंपनी ने क्या किया लाइक एम्प्लॉय और कंपनी के बीच में डिस्प्यूट हो गया एम्प्लॉय बोलते हैं हमको ज्यादा बोनस चाहिए कंपनी ने कम बोनस दिया और एम्प्लॉय ने प्रोटेस्ट कर लिया उस वजह से क्या हुआ कि कंपनी ने क्या किया उस बोनस को किसी ट्रस्ट को दे दिया कुछ टाइम के लिए उस बोनस वाले अमाउंट को किसी ट्रस्ट को दे दिया और उसके बाद में डिस्प्यूट रिजोल्व हो गया और ट्रस्ट से वो पैसा वापस एम्प्लॉय में दे दिया ट्रस्ट ने वो पैसा किसको दे दिया एम्प्लॉय को दे दिया और अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग सब इवेंट हो गया मीन टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग वो जो बोनस है वो ट्रस्ट के थ्रू एक्चुअल में एम्प्लॉय को मिल गया एओ ने डिस कर दिया एओ बोलता है अलाउ नहीं करूंगा क्योंकि यहां तो कंपनी ने एम्प्लॉय को बोनस एंड कमीशन थोड़ी दिया है यहां तो ट्रस्ट को दिया है तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है क्या एओ सही है या एसएससी सही है तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि एसएससी इसमें सही है डिडक्शन मिल जाएगा भैया एक्चुअल में एम्प्लय को पे हुआ ना अल्टीमेटली इट इज पेड टू द एप्लॉय ओनली ना थ्रू ट्रस्ट हुआ बट अल्टीमेटली इट इज पेड टू द एम्प्लॉय ओनली सो यहां पे एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अब एक और चीज समझना अगर कोई लोन लिया तो लोन का इंटरेस्ट भी अलाउ होता है या नहीं तो उसमें दो पार्ट अगर लोन है वो पर्सनल पर्पज के लिए है तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट अलाउ नहीं होता लेकिन अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पज के लिए है तो इंटरेस्ट अलाउ हो जाता है लेकिन एक चीज ध्यान रखना यहां पे लोन आपने कहां से लिया ये ध्यान रखना अगर आपने लोन लिया किसी शेड्यूल बैंक से लिया है या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लिया है या स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन या एनबीएफसी से लिया है तो इंटरेस्ट अलाउ होता है लेकिन यहां पर फोर्टी भी टांगड़ आती है वो बोलती है अप टू द ड्यू दे डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग एक्चुअल में पेमेंट होना चाहिए

यर का कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए क्या अलाउ होगा या नहीं तो देखिए अगर स्टेचुट्री प्रोविडेंट फंड में डाला रिकग्ग्नाइज प्रोविडेंट फंड में डाला अप्रूव ग्रेचुटी फंड में डाला अप्रूव सुपर एनोवेशन फंड में डाला या किसी भी फंड में डाला जो एज पर द लॉ का रिक्वायरमेंट है लॉ के हिसाब से लाइक ई एस आई एंड ऑल तो उस केस में एम्प्लॉयर को अलाउ हो जाएगा तो देखो एम्प्लॉयर ने कहा अलाउ में, 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 तो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं लेकिन यहां भी सेक्शन आएगी और फोर्टी थ्री भी ड्यूडेट से पहले पहले एक्चुअल में जमा कराना पड़ेगा अदरवाइज अगर जमा नहीं कराया तो उस केस में अलाउ इस साल में नहीं होगा लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने मान लो कॉन्ट्रीब्यूशन किया किसी अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अन सुपर एनुमेशन फंड में अन अप्रूव ग्रेचुअटी फंड में या किसी और फंड में जो लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो उस में एम्प्लॉयर को डिडक्शन नहीं मिलता है करके अब एक और चीज समझना एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय के लिए न्यू पेंशन स्कीम जिसको नेशनल पेंशन स्कीम या अटल पेंशन योजना या सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम बोलते हैं है, उसमें अगर कंट्रीब्यूशन किया तो क्या एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलेगा आंसर इज यस मिल जाएगा लेकिन यहां पे एक लिमिट होती है कि जो एम्प्लॉय की सैलरी है उसके टेन परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकता तो जितना कंट्रीब्यूशन किया और टेन परसेंट ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर है उतने का डिडक्शन मिलेगा अब एक चीज समझना आपको पता है बहुत बार एम्प्लॉयर है है वो एम्प्लॉय का कुछ पैसा काट के रखना है अपने पास एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कुछ पैसा काटता है टूवर्ड दी एफ है वगैरह कुछ पैसा काटता है आंसर इज यस अब एक चीज समझना लॉ मेकर्स बोलते हैं कि जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का जो पैसा काटा है ना पी एफ का या ESI का दैट हैज टू बी है टू दैट फंड अपू द ड्यू डेट ऑफ दैट फंड मीस उस फंड की ड्यू डेट तक जमा कराना पड़ेगा अगर उस फंड की ड्यू डेट तक जमा नहीं कराया तो उस केस में यह एम्प्लॉयर का इनकम बन जाएगा और एम्प्लॉयर के लिए पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा तो देखो मैंने क्या बोला एम्प्लॉयर ने जो भी पैसा काटा एम्प्लॉय का मीस वॉट एवर एम्प्लॉयर रिटेन फ्रॉम द एम्प्लॉय सैलरी टूवर्ड दी एफ हैज टू बी डिपोजिटेड टू दैट फंड अपू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग ना बाबा ड्यू डेट ऑफ दैट फंड अदरवाइज वो एम्प्लॉयर की क्या बन जाएगी इनकम बन जाएगी और इस बार एक्ट में बोला कि यहां पे 43 बी से कोई मतलब नहीं है यहां ड्यू डेट ऑफ दैट फंड ही लिखा हुआ है ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग नहीं है जैसे 43 बी में ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग होता है यहां पर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट नहीं उस फंड की ड्यू डेट तक उसको डिपोजिट करवाना पड़ेगा अदरवाइज वो एम्प्लॉयर की क्या बन जाएगी इनकम बन जाएगी अब देखो पी की ड्यू डेट क्या होती है नेक्स्ट मंथ की 15 तो जिस मंथ का पीएफ है अगले महीने की 15 तक जमा करा दो अदरवाइज वो क्या बन जाएगी एम्प्लॉयर की इनकम बन जाएगी और वो वापस कभी भी फिर अलाउ नहीं होता है, नहीं है तो एनिमल्सने स्टॉक इन ट्रेड लाइक तबेले का बिजनेस है या सर्कस वगैरह जो होता है करके ठीक है तो उस केस में जो एनिमल्स है क्या उस पर डेप्रीशियशन ले सकते हैं ये लाइव स्टॉक है लेकिन इसका डिडक्शन आप कब लेंगे जब या तो वो एनिमल

कि भैया वो डेट कभी ना कभी आपकी इनकम में कंसिडर हुआ हो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भैया वो आपका सेल से रिलेटेड है तो ही बेड डेट्स अलग होगा और दूसरी कंडीशन यह है कि जब भी आप डेट्स को राइट ऑफ करेंगे मीनस जब भी आप डेट्स का डिडक्शन लेंगे उस टाइम आपको डेटर्स को राइट ऑफ करना पड़ेगा अब क्वेश्चन यह आता है कि सर क्या बेड डेट्स लेने के लिए हमको यह प्रूव करना पड़ेगा कि डेट है वो बैड हो गया आंसर इज नो देर इज नो नीड टू प्रूव दैट सिर्फ दो कंडीशन सेटिस्फाइड हुई आप डेट्स ले सकते हैं अब एक और चीज समझना मेनी टाइम क्या होता है कि आईसीडीएस के हिसाब से आईसीडीएस क्या करता है बहुत बार अर्ली रिकॉग्नाइज करवा देता है इनकम को

एक और चीज समझता अगर मान लो सेल जो है वो सेल किसी ने की थी और उसका बिजनेस सक्सेसर खरीद लेता है और सक्सेसर उसका प्रोविजन फॉर डेट्स क्वेश्चन फॉर डेट्स अलाउ होता है अभी तो सर आप बोल रहे थे प्रोविजन फॉर डेट्स अलाउ नहीं होता लेकिन एक चीज ध्यान रखना प्रोविजन फॉर डेट्स का डिडक्शन मिलता है सिर्फ बैंक को और बैंक में भी ध्यान रखना जो इंडियन बैंक होती है ना इंडियन बैंक को प्रोविजन फॉर डेट्स अलाउ होता है एट पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम उसके साथ साथ में जो भी रूरल ब्रांचेस ने जितनी लोनिंग की है, रूरल ब्रांचेस ने जितना दिया है, उसका 10 परसेंट तो देखिए इंडियन बैंक होगा तो इतना प्रोविजन है, वो इंडियन बैंक को अलाउ होगा लेकिन अगर कोई फॉरन बैंक है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन या एनबीएफसी है उसको सिर्फ फाइव परसेंट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम है उतने का प्रोविजन फॉर डेट्स अलाउ होता है अब एक और चीज समझना जब सर प्रोविजन ऑलरेडी अलाउ हो रहा है तो एक्चुअल डेट्स कहां जाएगा पीएनडल के डेबिट में या प्रोविजन में राइट आंसर इस प्रोविजन के डेबिट में ध्यान रखना जब प्रोविजन फॉर बेडडेट पीएनडल के डेबिट में जा रहा है तो एक्चुअल बेडेट्स है ना वो हमेशा प्रोविजन अकाउंट में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में नहीं जाएगा लेकिन अगर प्रोविजन शॉर्ट हो जाता तो

अब एक और चीज समझना अगर कोई सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है या कॉमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है तो क्या वो अलाउ होता है मैं बता दूं अगर आप शेयर या कमोडिटी के ट्रेडिंग बिजनेस में मीन योर बिजनेस इज टू ट्रेड और ऑफ शेयर्स और कॉमोडिटी तो उस केस में एसटीटी सीटीटी है वो पी एंडल के डेबिट में जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अब एक चीज समझना अगर कोई फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस करती है

शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व का टू हंड्रेड परसेंट करिए और माइनस कर रहेगा उतने का तो देखिए अगर कोई फाइनेंशियल जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस करती है पांच साल या उससे ज्यादा के लिए रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्रियल से रिलेटेड या हाउसिंग से रिलेटेड कोई करती है तो डिडक्शन मिलता है

दूसरी कंडीशन वो एक्सपेंडिचर आपका रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए और तीसरी कंडीशन वो एक्सपेंडिचर आपका लीगल होना चाहिए इलीगल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होते अब एक बात समझना यहां पर अमेंडमेंट आया इस साल से कि लीगल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा तो यहां लॉ मेकर्स ने लिखा कि अगर कोई भी एक्सपेंडिचर ऐसा है जो कि कोई आप ऑफेंस है And which is इज प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया इंडिया के लॉ में या इंडिया के बाहर कोई लॉ है और उसमें कोई भी चीज ऑफेंस है या प्रोहिबिटेड है ऐसा आप एक्सपेंडिचर करते हो तो वो तुम्हारा इलीगल एक्सपेंडिचर हो जाएगा एज वेल एज अगर आप कोई भी ऐसा किसी को भी कोई भी बेनिफिट देते हो या परक्यूजिट देते हो किसी भी फॉर्म में दे रहे हो किसी भी पर्सन को दे रहे हो लेकिन वो जो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है उसके लिए अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है ना वो किसी ना किसी लॉ का वायलेशन कर रहा है या किसी रूल का वायलेशन

किया है और आपने कोई कंपाउंडिंग करा दिया तो कंपाउंडिंग के लिए जो फीस देंगे, वो भी आपका को नहीं किया है और वो बिल्डिंग जो बनाई उसके लिए फिर क्या होता है बहुत बार बिल्डिंग को तोड़ती नहीं है लेकिन बहुत बार क्या होता है उसको लीगलाइज कर लेते हैं तो आपसे कुछ पैसे लिए जाते हैं तो वो तुम्हारा इनगल एक्सपेंडिचर माना जाएगा अब क्वेश्चन ये आता है कि सर यहां पे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर जो सीएसआर एक्सपेंडिचर है क्या वो अलाउ होता है या नहीं लॉ मेकर्स बोलते हैं ना बाबा ना यहां सीएसआर एक्सपेंडिचर इज अलाउड इन इनकम टैक्स सीएसआर का एक्सपेंडिचर है वो आपको अलाउ नहीं होता इन इनकम टैक्स सीएसआर का पैसा डाला तो वो सीएसआर एक्टिविटी में आता है इसका सर यहां पे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा क्या हम उसको एटीजी में डिडक्शन ले सकते yes. डिडक्शन ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बेटा इसका एक एक्सेप्शन है

पेम्पलेट में ब्रोशर में वगैरह आपने किया है न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट किया है तो वो यहाँ पे अलाउ नहीं होता तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर ब्रोशर पेम्पलेट वगैरह में आपने एडवर्टाइजमेंट किया है तो आपको अलाउ नहीं होगा यहां पे अलाउ नहीं होगा लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या एडवर्टाइजमेंट डोनेशन माना जाएगा और एटी में डिडक्शन ले सकते हैं या नहीं या एटी में डिडक्शन ले सकते हैं नहीं एक चीज ध्यान रखना यहां पे जो कंपनीज एक्ट है टू कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि अगर कोई भी कंपनी है इंडियन कंपनी वगैरह वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करती है तो आपके न्यूज पेपर में एडवर्टाइजमेंट तो दिया तो पहली चीज तो यहां पे थर्टी में तो अलाउ नहीं होगा एटी में डिडक्शन ले सकते लेकिन गाइज दी जी जी बी हा जी जी सी में डिडक्शन नहीं मिल सकता जैसे मैं इंडिविजुअल हूं मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में

अगर आपने कोई शेयर डिवेंचर से रिलेटेड इशू एक्सपेंडिचर है तो क्या वो अलाउ होते हैं या नहीं एक चीज ध्यान रखना अगर मान लो आपने कोई खर्चा किया है वो आईपीओ से रिलेटेड है एफपीओ से रिलेटेड है राइट इशू से रिलेटेड है एक चीज ध्यान रखना अगर वो प्रिलिमिन्री एक्सपेंसेस में आता है तो तो वहां अलाउ हो जाएगा फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट में बट अगर प्रिलिमरी एक्सपेंसेस में नहीं आता और आईपीओ एफपीओ या राइट इशू से रिलेटेड एक्सपेंडिचर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है इसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा लेकिन अगर बायबैक बोनस या डिबेंचर और लोन से रिलेटेड कोई खर्चे वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने जाते हैं उसको अलाउ कर देंगे और अलाउ हो जाएगा क्योंकि एक चीज समझना आईपीओ एफपीओ राइट इशू के केस के 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 में आपका कैपिटल फ्लक्चुएट होता है कैपिटल चेंज होता है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है अलाउ नहीं होगा लेकिन बायबैक के केस में बोनस के केस में डिबेंचर लोन के केस में आपके कैपिटल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बायबैक के केस में क्या होता है आप उतना का उतना सीआरआर रिजर्व बना देते हो बोनस के केस में आप रिजर्व को कैपिटलाइज करते हो और यहां पर डिबेंचर लोन के केस में क्या होता है कि यह कैपिटल में आता ही

डायरेक्ट टैक्स अलाउ नहीं होता इनडायरेक्ट टैक्सेस अलाउ होते हैं इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट जब डायरेक्ट टैक्सेस डीटी जो है इनकम टैक्स इनकम टैक्स अलाउ नहीं तो इंटरेस्ट भी अलाउ नहीं पेनल्टी भी अलाउ नहीं बट इनडायरेक्ट टैक्सेस अलाउ है तो इनडायरेक्ट टैक्स का इंटरेस्ट भी अलाउ है लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का पेनल्टी अलाउ नहीं होगा लेकिन एक चीज समझना ये इनडायरेक्ट टैक्सेस अलाउ तो होते हैं बट यहां पर भी सेक्शन फोर्टी थ्री भी टांगड़ आती है और फोर्टी थ्री भी ये बोलती है कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यूडेट से पहले पहले एक्चुअल में पेमेंट करना पड़ेगा तो ही इनडायरेक्ट टैक्सेस अलाउ होंगे अदरवाइज इनडायरेक्ट टैक्सेस अलाउ नहीं होंगे अब एक और चीज समझना यहां पर एक और चीज समझना कि यहां पे अगर कोई पेनल्टी है पेनल्टी दो टाइप की होती है एक तो होती है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ लॉ और एक होती है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ध्यान रखना पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ लॉ है दैट इज नॉट अलाउड बट पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अलाउड इफ दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू नेचर है और उससे रिलेटेड कोई पेनल्टी है तो वो आपको अलाउ हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है अब एक और चीज समझना अगर मान लो कहीं पे कैश है वो गुम जाता है मिन्स कैश है वो चोरी हो गया तो क्या वो खर्चा अलाउ हो जाएगा एक केस लॉ में बोला हुआ है कि नॉर्मल बिजनेस कोर्स में अगर कैश है जैसे मान लो

वो प्रोजेक्ट एबेंडोन हो गया लेकिन वो प्रोजेक्ट अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड है तो उसका एक्सपेंडिचर रेवेन्यू है और रिलेटेड नहीं है और उस नया बिजनेस चालू हुआ ही नहीं अब एक चीज समझना यहाँ पे कुछ केस लॉज है सबसे पहला ओरियंट सिरेमिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड यहाँ पे ये हुआ कि सर ये जो दुकानों के बाहर जो ग्लोसाइन बोर्ड लगते हैं जिसमें दो ट्यूबलाइट लगी होती है तो ग्लोसाइन बोर्ड पे जो भी खर्चे करते हैं क्या ये रेवेन्यू है या कैपिटल राइट आंसर इज

PBR के मल्टीप्लेक्सेस होते हैं इन्होंने क्या किया कि जो सिंगल स्क्रीन थिएटर थे ना, बोलते है इनको करेंगे और इनको में करेंगे। उससे रिलेटेड फिजिबिलिटी स्टडी कराई थी उसका कुछ खर्चा हो गया तो क्या वो खर्चा अलाउ है या नहीं देखिए वो एक्सिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं आंसर इज यस बिकॉज इनका मूवी का बिजनेस है और मूवी से रिलेटेड था करके ठीक है एक्सिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड वो प्रोजेक्ट था एबेंडोन हो गया उसका जो भी एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर

सैलरी दिया तो क्या अलाउ होगा yes. हो कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद जो प्राइवेट लिमिटेड का एक बिल्डर है उसने क्या किया, का कोई किया, का, और उसकी वजह से उसको कुछ पेनल्टी पे करना पड़ा पेनल्टी अलाउ होगी आंसर इज नो बिकॉज पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ लॉ है वो अलाउ नहीं होता और अब एक और जो है विप्रो फैसिटेड टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लॉ है अब बेटा इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि ये जो असेसी है ना ये लीज़िंग बिज़नेस में है और ये लोग क्या करते हैं लोगों को अगर कोई प्लांटेड मशीनरी वगैरह खरीदा है तो उनको फाइनेंसिंग करते हैं और उनके बीच में लीज अग्रीमेंट बनता है अब इनके जो लीजिंग बिजनेस के लिए इनके पास पैसे नहीं थे तो इन्होंने क्या किया फॉरेन करेंसी में फॉरेन से कोई लोन लिया अब फॉरेन करेंसी में फॉरेन से लोन लिया और अपने लीजिंग बिजनेस में उसको यूज किया और जिन लोगों को प्लांट एंड मशीनरी वगैरह खरीदना था उनको वो पैसा है वो फाइनेंस किया तो क्वेश्चन यहां पर आता है कि जब उन्होंने लोन लिया है फॉरेन करेंसी में बाहर से और उस उसपे मान लो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन लॉस हो गया तो ये लॉस जो है क्या इसको अपन असेट की कॉस्ट में एडजस्ट करना पड़ेगा या फिर सीधा पी एंडल के डेबिट में डाल सकते हैं तो लॉ लॉमेकर्स यहां पे जो है वो क्लियरिटी नहीं थी तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि यहां पे एस का काम है लीजिंग बिजनेस और एस कोई अपने लिए असेट नहीं खरीद रहा है अपने लिए असेट नहीं खरीद रहा अगर आपने फॉरेन करेंसी लोन लेके और अपने लिए कोई असेट खरीदा जो आप अपने बिजनेस में यूज करते हो उसका जो भी फॉरन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन लॉस होता है उसको अपन ब्लॉक के साथ में एडजस्ट करते हैं बट यहां पर यह लीजिंग बिजनेस में एंगेज है और लीजिंग बिजनेस के लिए इन्होंने क्या किया है वो लोन लिया है तो जो भी फॉरन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन लॉस रहेगा वो लॉस आपके पी एंडल के डेबिट में चला जाएगा ड्यू टू सेक्शन थर्टी सेवन तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट वाली तीन लाइन है उस पर आप ध्यान देना इट वॉज हेल्ड लोन वॉज बोरोड फॉर द फिनेंसिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए वो लोन लिया है विच वॉज एन

उससे कोई फर्क नहीं पड़ता देर में पॉसिबिलिटी आपकी रिसिट कैपिटल नेचर की है और आप जो खर्चे कर रहे हैं वो आपके रेवेन्यू नेचर के हैं। सो फॉर एन एग्जांपल मैंने मान लो कोई प्लॉट बेचा और प्लॉट बेच के और जो रिस्ट है वो कैपिटल नेचर की है और उसके सामने मैंने जो खर्चे किए वो मान लो मैंने एम्प्लॉय को सैलरी वगैरह दिया तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद में सेक्शन फोर्टी सेक्शन फोर्टी ये बोलती है फोर्टी का सबसे पहले फोर्टी क्लॉज ए सब क्लॉज वन ये ये बोलता है कि अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट को या फॉरेन कंपनी को पेमेंट करते हो या उसका अकाउंट क्रेडिट करते हो और उस पर टीडीएस काटना था आपने टीडीएस नहीं काटा या फिर टीडीएस काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तो आपका हंड्रेड परसेंट खर्चा इस साल में डिसअलाउड हो जाएगा मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करना अगर आपने किसी नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को कुछ पेमेंट किया या उसका अकाउंट क्रेडिट किया जिसपे टीडीएस काटना था आपने टीडीएस नहीं काटा या फिर टीडीएस आपने काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग हंड्रेड परसेंट ऑफ एक्सपेंडिचर करंट ईयर में डिसअलाउड हो जाएगा लेकिन एक बात समझना अगर आपने सब ईयर में टीडीएस काटा या फिर टीडीएस करंट ईयर में काट दिया था लेकिन रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के बाद में टीडीएस डिपोजिट कराया तो उस केस में खर्चा हंड्रेड इस साल में तो डिसउड होगा लेकिन जिस ईयर में वो टीडीएस आप गवर्नमेंट को डिपोजिट कराओगे उस ईयर में वो एक्सपेंडिचर आपको अलाउ हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है दूसरा सेक्शन 40 क्लॉज सब क्लॉज बने क्या बोलता है कि किसी अगर आपने रेजिडेंट को पेमेंट किया या रेजिडेंट का अकाउंट क्रेडिट किया जिसका टीडीएस काटना था आपने टीडीएस नहीं काटा या फिर आपने टीडीएस काटा बट गवर्नमेंट आपने टीडीएस आईदर टीडीएस काटा ही नहीं इन करंट प्रीवियस ईयर और टीडीएस काटा इन प्रीवियस ईयर बट नॉट डिपोजिटेड टू गवर्नमेंट अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग देन 30 परसेंट खर्चा आपका डिसअलाउड हो जाएगा इस साल में और बेटा वो 30 परसेंट फिर आपको अलाउ कौन से ईयर में होगा जिस ईयर में आप टीडीएस गवर्नमेंट को डिपोजिट कराओगे उस ईयर में वो अलाउ हो जाएगा अब एक और चीज समझना

जिस डेट को उस पेई ने अपना रिटर्न फाइल किया ना जिस डेट को पेई ने अपना रिटर्न फाइल किया उस दिन ये माना जाएगा आपने टीडीएस काटा और गवर्नमेंट को जमा करा दिया सो इन सिंपल वर्ड मैं आपको बता दूं, देखो जब भी आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करोगे या रेजिडेंट को पेमेंट करोगे करंट प्रीवियस ईयर में आपने टीडीएस नहीं काटा तो हंड्रेड और थर्टी इस साल डिसअलाउड हो जाएगा और जिस ईयर में उसने रिटर्न फाइल किया और आप ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है उसने इनकम को इनकम में कंसिडर कर दिया उस पर जो टैक्स आता था वो गवर्नमेंट को पे कर दिया अपना रिटर्न फाइल कर दिया आपने सीए का सर्टिफिकेट ला लिया तो जिस ईयर में उसने

इस साल में जो आपने पेमेंट किए उस पर टीडीएस काटना है मतलब जो आउटस्टैंडिंग है थर्टी फर्स्ट मार्च को सिर्फ उसी अमाउंट पे टीडीएस काटना है या इस साल में जो पे कर दिया उस पर भी टीडीएस काटना है राइट आंसर इस दोनों पे टीडीएस काटना है जो आपने पे कर दिया एज वेल एज द आउटस्टैंडिंग है दोनों पे टीडीएस काटना है हुआ क्या लॉ में एक वर्ड यूज हुआ है पेबल सिर्फ पेड यूज नहीं हुआ तो एस बोलता है सिर्फ पेबल जो थर्टी मार्च को है ना उसी पे टीडीएस काटना बाकी, भी तो काट बाकी पे तो टीडीएस काटना ही ना बाकी पे टीडीएस नहीं काटना तो टीडीएस टॉपिक ही पूरा खत्म हो जाएगा करके ठीक है तो जो आपने पे कर दिया एज वेल एज द पेबल है दोनों पे टीडीएस काटना है

और वो स्टेट गवर्नमेंट को कोई रॉयल्टी प्रिवलेज फीस या किसी भी काइंड का फीस जो एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से चार्ज कर रही है तो स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को अलाउ नहीं होता है अब एक चीज समझना है, एक सेक्शन फोर्टी क्लॉज है सब क्लॉज थ्री ये बोलता है कि इंडिया के बाहर किसी को भी या इंडिया में किसी नॉन रेजिडेंट को इंडिया के बाहर किसी को भी या इंडिया में किसी नॉन रेजिडेंट को आपने सैलरी का पेमेंट किया है तो उसका आपको टीडीएस काटना है और काट के टीडीएस की ड्यूडेट तक जमा कराना है टीडीएस की ड्यूडेट क्या रहती है नेक्स्ट मंथ की सेवन तक आपको जमा कराना है अगर आपने जमा नहीं कराया तो उसके इसमें वो खर्चा अलाउ नहीं होगा बड़ा ही हार्ड प्रोविजन है देखो ऊपर जो नॉर्मल प्रोविजन था उसमें क्या था रिटर्न फाइलिंग की ड्यूडेट तक जमा करा सकते हैं लेकिन यहां पे अगर सैलरी का जब सवाल आता है आपने क्या किया इंडिया के बाहर किसी को सैलरी पे किया या इंडिया में किसी नॉन रेजिडेंट को सैलरी पे किया तो आपको टीडीएस काटना है और काट के टीडीएस की ड्यूडेट तक जमा कराना है अदरवाइज वो खर्चा आपका हंड्रेड परसेंट डिसअलाउड हो जाएगा अगर आपने एक भी दिन डिले किया वो खर्चा आपको कभी भी अलाउ नहीं होगा अगर ठीक है उसके बाद सेक्शन फोर्टी क्लॉज सब क्लॉज फाइव ये बोलता है कि नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स है अगर वो एम्प्लॉयर भरता है नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट का जो टैक्स है वो अगर एम्प्लॉयर भरता है तो एम्प्लॉयर को वो टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा

ब्रदर सिस्टर लीनियल असेंडेंट लीनियल डिसेंडेंट अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनर एंड पार्टनर के रिलेटिव अगर कंपनी है तो डायरेक्टर एंड डायरेक्टर के रिलेटिव एओपी बीवाई एच है तो मेंबर एंड उनके रिलेटिव अब एक और चीज समझना अगर कोई पर्सन है वो पर्सन एंड उसके रिलेटिव का मिलके किसी दूसरे के पर्सन के बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या उस पर्सन का और उसके रिलेटिव का मिलके इस पर्सन के बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है यहां पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है ट्वेंटी परसेंट और मोर का पीएसआर या ट्वेंटी परसेंट और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग होना दैट इज कॉल्ड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तो ये आपस में एक दूसरे के रिलेटिव माने जाएंगे और जब भी पेमेंट करेंगे रीजनेबल अलाउ होगा अनरीजनेबल डिसअलाउड हो जाएगा उसके बाद में अगर कोई होल्डिंग कंपनी है

आंसर इज नो वो ऐसा नहीं कर सकता ऐसा अलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला उसके बाद में एक सेक्शन फोर्टी थ्री बोलती है

चेक अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लियरिंग सिस्टम अब एक चीज समझना अगर आपने एक्सपेंडिचर का डिडक्शन पहले अप्रूवल बेसिस पे ले लिया था और आपने करंट ईयर में क्या किया कैश में पेमेंट किया इन अ सिंगल डे टू अ सिंगल पर्सन मोर देन टेन थाउजेंड तो उस में क्या होगा करंट ईयर में वो इनकम बन जाएगा ध्यान रखना अगर आपने पहले ऑलरेडी पहले ऑलरेडी डिडक्शन ले लिया था अप्रूवल बेसिस पे और करंट ईयर में आपने टेन थाउजेंड से ज्यादा का सिंगल डे में सिंगल पर्सन को कैश में पेमेंट किया तो करंट ईयर में वो आपकी इनकम बन जाएगी लेकिन एक चीज समझना अगर ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते हैं तो ये लिमिट थर्टी हो जाएगी जब आप ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते हैं तो ये लिमिट है वो थर्टी फाइव थाउजेंड हो जाएगी अब एक और चीज समझना इससे रिलेटेड कुछ एक्सेप्शन है जहां पे आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं या तो पेमेंट आप आरबीआई को करते हैं को को करते है, बैंक को करते हैं हैं बैंक या गवर्नमेंट को आप कैश में पेमेंट कितना भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं तो एल को, को करते हैं आरबीआई को करते हैं बैंक को करते हैं गवर्नमेंट को कर सकते हैं कितना भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर बुक एंट्री करते हैं बुक एंट्री का मतलब होता है जैसे मैं आपके टेन लेख मांगता हूं आप मेरे फिफ्टीन लैख मांगते हैं हम टेन लैख को क्या करते हैं स्क्वायर ऑफ कर देते हैं

कर सकते हैं करके या फिर अगर आप मनी चेंजर है तो मनी चेंजर के केस में ऑब्वियसली आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं या फिर क्या करते हैं आप परचेज करते हैं कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि किसी ऐसी कोटेज इंडस्ट्री में बना है जो विदाउट हेल्प ऑफ द पावर मीस पावर की हेल्प के बिना ऐसी कोटेज इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बना है और उसको आप कैश में पेमेंट करते हैं तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है या फिर आप अपने एजेंट को पेमेंट करते हैं और एजेंट को आगे कैश में पेमेंट करना जरूरी है एजेंट है है वो मान लो किसान से गेहूं खरीदने जा रहा है। उसको आगे कैश में पेमेंट करना है आपने अपने एजेंट को कैश में पेमेंट किया तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है अब एक चीज समझना सेक्शन फोर्टी सब सेक्शन सेवन ये बोलता है प्रोविजन फॉर ग्रेचुअटी अलाउ नहीं होता देखिए मैं बता दूं तो, इनकम टैक्स में प्रोविजन फॉर ग्रेचुअटी है वो अलाउ नहीं होता भले वो एक्चुअली वैल्यूशन से कराओ

और 43 बी भी क्या बोलती है बताए ये सेक्शन जो बहुत सारी जगह टांगड़ आती थी ये सेक्शन ये बोलती है कि आपके टोटल सिक्स सेवन ऐसे एक्सपेंडिचर है जो आपको अलाउ तभी होते हैं जब आपने रिटर्न फाइलिंग की डूनिट से पहले पहले एक्चुअल में पेमेंट कर दिया अब ये कौन कौन से एक्सपेंसेस है सबसे पहला टैक्स ड्यूटी एंड सेस करके ठीक है दूसरा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन या तो एसपीएफ में आरपीएफ में या एजीएफ में एएसएफ में या न्यू पेंशन स्कीम में अगर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो वो वाला उसके बाद में बोनस एंड कमीशन एम्प्लॉय वाला या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम शेड्यूल बैंक इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक का पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन या एनबीएफसी एज वेल एज द तुम्हारा लीव सैलरी या फिर इंडियन रेलवे को कुछ पेमेंट किया है इंडियन रेलवे का कोई आपने फैसिलिटी यूज किया था और उसका कुछ पेमेंट है करके ठीक है तो गाइस ये जो पेमेंट्स है है ना ये आपको, ये जो expenditure है, ये आपको जो एक्सपेंडिचर अलाउ तभी होंगे जब आपने आपने रिटर्न फाइलिंग की due date से पहले पहले एक्चुअल में पेमेंट कर दिया अदरवाइज ये खर्चे आपको इस साल में अलाउ नहीं होंगे जिस ईयर में एक्चुअल में पेमेंट करेंगे उस ईयर में अलाउ हो जाएंगे कौन कौन से मैंने बोला सबसे पहला टैक्स ड्यूटी से नॉर्मली इनडायरेक्ट टैक्सेस उसके बाद एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन सुपर एनोवेशन फंड है या फिर अप्रूव ग्रेचुअटी फंड्रूव सुपर एनोवेशन फंड आरपीएफ एसपीएफ वाला एनपीएस वाला उसके बाद बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉय इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम द शेड्यूल एस आई आई सी एस वेल एस एनबीएफसी लीव एंड कैशमेंट एंड रेलवे का असेट अगर आपने कोई यूज किया था तो उसके लिए आपने पेमेंट किया तो

कि भैया अगर मान लो आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया और कंपनी ने क्या किया उस इंटरेस्ट के बदले उस बैंक को अगर कर या कोई भी माना जाएगा तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर मान लो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट उस इंटरेस्ट के अगेंस्ट में आपने अगर कोई भी डिबेंचर इश्यू कर दिए या फिर कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट इश्यू किया जिससे कि आपकी लाइबिलिटी टू पे वो डेफर हो जाती है तो उस पर्टिकुलर केस में ये एक्चुअल पेमेंट नहीं माना जाएगा उसके बाद सेक्शन थ्री सीबी फोर्टी थ्री सीबी बोलती है इट इज रिलेटेड टू लाइक इट इज सिमिलर टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक चीज समझना कि आपका जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है उसका रेवेन्यू आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे तो मैं बता दूं उसका रेवेन्यू आपको रिकॉग्नाइज करना है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड

ड्यूरेशन है वो 90 डेज से ज्यादा का नहीं है अप टू 90 डेज है तो उसको आप रिकॉग्नाइज उस ईयर में करेंगे जिस ईयर में वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है और दूसरा अगर कोई तुम्हारा ऐसा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट है लाइक इंटरनल ऑडिट एंड ऑल तो उसमें क्या करिए आप स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करिए जैसे मान लो आपको इंटरनल ऑडिट के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मिला जिसमें फाइव ईयर तक इंटरनल ऑडिट करना है और फिफ्टी लैक इज अ फीस तो आप क्या करेंगे एवरी ईयर टेन टेन लैक है वो आप रेवेन्यू को रिकग्नाइज कर जाएंगे अब एक और चीज समझना जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है ना उसमें आपको रिटेंशन मनी को भी लेना पड़ेगा जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं रिटेंशन मनी क्या होता है आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कुछ पैसा काटते थे जैसे ₹100 का कॉन्ट्रैक्ट है आपको अभी 80 ही मिला है तो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू लेते टाइम आपको पूरा 100 लेना है एक और चीज समझना जो भी आपको कोई एसेट है जैसे मान लो टेंपरेरी कभी कभी क्या होता है टेम्प्ररी इनकम वगैरह होती है जैसे डिविडेंड मिल गया या इंटरेस्ट मिल गया या कोई असेट को बेचा कैपिटल गेन हुआ तो वो नॉर्मली क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में से लेस कर देते हैं यहां पे ऐसा नहीं करना है भैया कॉस्ट पूरा आपको लेना है और जो आपकी इनकम होती है वो इनकम को आपको सेपरेटली टैक्स करना है एज पर द लॉ करके अब एक और चीज समझना सेक्शन फोर्टी थ्री डी फोर्टी ये बोलता है कि अगर एनपीए हो जाता है बैंक्स वगैरह के पास में अगर एनपीए हो जाता है तो सर एनपीए जैसे ही किसी लोन को एनपीए बना देते हैं उस पर इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज फिर कब करेंगे इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज आपको उस ईयर में करना है जिस इयर में या तो वो इंटरेस्ट मिल जाता है या जिस ईयर में आप पीएनडल के क्रेडिट में डाल देते हैं विच एवर इज अर्लियर तो जिस ईयर में वो इंटरेस्ट रिसीव हुआ या पीएनडल के क्रेडिट में डाला विच एवर इज अर्लियर वाला इवेंट रहेगा उस ईयर में उस इंटरेस्ट को आपको रिकॉग्नाइज करना है सेक्शन फोर्टी सी क्या बोलती है कि अगर कोई असेट है जो कैपिटल असेट थी लेकिन आपको एज अ स्टॉक इन ट्रेड मिली है कैसे या तो गिफ्ट में मिली है एच के पार्टीशन में मिली है या अमल में मिली है मैंने क्या बोला 43 सी क्या बोलती है कि अगर कोई असेट है जो पहले कैपिटल असेट थी देने वाले के हाथ में आपके हाथ में स्टॉक इन ट्रेड है और आपको एज अ गिफ्ट में मिली है या फिर आपको पार्टीशन ऑफ एच में मिली है अमल में मिली है उसकी कॉस्ट क्या लेंगे तो यहां पर उसकी कॉस्ट लेनी है कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर जो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट था वो प्रीवियस ओनर ने जो इंप्रूवमेंट करवाया उसको ऐड कर लीजिए आपने कुछ इंप्रूवमेंट करवाया उसको ऐड कर लीजिए इसमें इंडेक्सेशन वगैरह नहीं होगा क्योंकि आपके लिए स्टॉक एंड ट्रेडर सीधा पीएनडल के डेबिट में डाल दीजिए ये आपके लिए कॉस्ट बन जाएगी अब एक सेक्शन होती है 43 ए 43 ए क्या बोलती है बड़ी सिंपल सेक्शन है कि अगर आपने इंडिया के बाहर से कोई असेट खरीदी मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना आपने इंडिया के बाहर से कोई असेट खरीदी या तो सप्लायर क्रेडिट पे या फॉरेन करेंसी आपने बाहर से लोन लिया है, तो देखिए मैंने क्या बोला इंडिया के बाहर से आपने असेट एक्वायर की सप्लायर क्रेडिट पे या बाहर से लोन लिया है तो उस टाइम पे जब भी आप उस सप्लायर को पेमेंट करेंगे या वो लोन को पेमेंट करेंगे पेमेंट के टाइम पे एट द टाइम ऑफ पेमेंट अगर आपका कोई फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन या लॉस होगा ना तो उसको आपको ब्लॉक के साथ में एडजस्ट करना है Means अगर वो लॉस हुआ तो ब्लॉक में आप ऐड कर देंगे और अगर गेन हुआ तो आपको ब्लॉक में से क्या करना है लेस करना है अब एक और चीज समझना अगर मान लो आपने कोई हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट लिया था और वो हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट का लॉस या गेन होता है वो भी आपको ब्लॉक के साथ में एडजस्ट करना पड़ेगा उसके बाद फोर्टी थ्री डबल ए ये बोलता है कि बाकी जो भी फॉरन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस है वो अलाउ होंगे अगर आईसीडीएस में दे रखा है आईसीडीएस अलाउ करता है तो अलाउ होंगे अदरवाइज वो अलाउ नहीं होंगे उसके बाद में एक सेक्शन आती है फोर्टी वन

जैसे मान लो मैंने परचेस किया था और परचेस किया था तो पीएनडल के डेबिट में डाला था अब मान लो मुझे उस क्रेडिटर को पेमेंट ही नहीं करना है तो वापस से वो पीजीवीपी में टैक्सेबल हो जाएगा पीएनडल के क्रेडिट साइड में चला जाएगा तो देखिए अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर का डिडक्शन लिया था कोई ट्रेडिंग लाइबिलिटी थी आपकी और या तो उसका रेमिशन हो जाता है मीन रिफंड मिल जाता है या वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है तो उस केस में वापस से आपके लिए ये टैक्सेबल हो जाएगा आपके पीजीबीपी के पीएनडल के क्रेडिट साइड में आ जाएगा अब एक और चीज समझना जैसे मान लो हमने कोई परचेज किया था टाइम बार हो गया तीन साल हो गए उसके बाद भी हमने पेमेंट नहीं किया तो क्या तीन साल बाद डायरेक्टली एओ बोल सकता है वन लगेगा आंसर इज नो हो सकता है हमारी इज्जत अच्छी है आगे वाले की इज्जत अच्छी है हम आराम से फाइव ईयर सिक्स ईयर बाद भी पेमेंट कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि भैया आपने लाइक क्या बोलते हैं कि थ्री ईयर्स हो गए तो वो टैक्सेबल कर दो आंसर इज नो लेकिन एक चीज समझना आप अगर यूनिलिटरली आप क्या करते हो उसको बेड डेट्स बांध लेते हो मीन आपको पेमेंट करना है किसी को आपने परचेज किया है आपने पेमेंट किया नहीं बट आपको पता है आपका

सेक्शन फिफ्टी लगती है तो वो लग जाएगी लेकिन एक बात समझिए अगर लेबोरेटरी से आपने सीधा ही असेट बेच दिया आप रिसर्च कर रहे थे कोविड का वैक्सीन बना रहे थे लेबोरेटरी में वैक्सीन बनाना बना उसके बाद में आपने लेबोरेटरी से सीधा आठ सेट भेज दिया तो यहां पे सेक्शन फोर्टी वन थ्री लगती है फोर्टी वन थ्री क्या बोलती है कि जो आपका सेलिंग प्राइस है और जितना आपने पहले डिडक्शन लिया था विच एवर इज लोअर है सेलिंग प्राइस और जितना पहले आपने डिडक्शन लिया था विच एवर इज लोअर है वो आपके लिए पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा और अगर तुम्हारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ज्यादा होता है तो यहां पे कैपिटल गेन भी होगा वो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हो सकता है डिपेंड्स ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग वो उसके पीरियड ऑफ होल्डिंग पे डिपेंड करें

कि जितना आपका टोटल रिसिट है ना पूरे साल में रिसिट मतलब ऑल रिसिट असेट को बेचा तो भी रिसिट ऑल रिसिट नॉट ओनली बिजनेस रिसिट टोटल रिसिट में कैश का रिसिट इज अपू फाइव परसेंट मीन फाइव परसेंट या उससे कम है एंड इस साल में जितने टोटल पेमेंट्स किए ना उन टोटल पेमेंट्स में कैश का पेमेंट इज अपू फाइव परसेंट ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो यहां पे का लिमिट है वो टेन करोड़ हो जाएगा टेन करोड़ से ज्यादा है तो ही आपको ऑडिट करानी है ऑडिट कब तक मंथ बिफोर का जो भी डेट रहेगा जैसे थर्टी फर्स्ट अक्टूबर है तो सितंबर तक कराइए और अगर आपका थर्टीएथ नवंबर है तो थर्टी फर्स्ट अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक आपको ऑडिट करानी पड़ेगी ऑडिट कौन करेगा चार्टेड अकाउंटेंट करेगा करके ठीक है आर्टिकल नहीं करेगा बहुत सारे लोग बोलते हैं ऑडिट इज डन बाय द आर्टिकल एंड साइन बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट ठीक है ऐसा नहीं है ऑडिट है यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा ऐसा लिखा हुआ है अब एक और चीज समझना अगर आप ऑडिट नहीं कराते हैं तो यहाँ पे 271 बी में आपको पेनल्टी लग जाएगी पेनल्टी कितनी लगेगी हाफ परसेंट ऑफ द टर्न मीन्स जितना भी टर्न है उसका वन उसका वन डिवाइड बाई टू परसेंट मींस आई कैन से दैट जीरो पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ टर्न ओवर और वन लैख फिफ्टी थाउजेंड विच एवर इज लोअर है उतने का पेनल्टी लग जाएगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब बच जाता है प्रिजमटिव टैक्सेशन एक बार और पानी पी लेते हैं और उसके बाद लास्ट पार्ट चालू करते हैं प्रिजमटिव टैक्सेशन का यस yes. तो सबसे पहले प्रेजर्वेटिव टैक्सेशन में आपकी फोर्टी फोर्टी फोर एडी फोर्टी फोर एडी ये बोलती है बड़ी सिंपल सी सेक्शन है छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए है तो ये सेक्शन सबसे पहले चीज किस पे एप्लीकेबल है या तो रेजिडेंट इंडिविजुअल आप बिजनेस करते हैं लेकिन ध्यान रखना बिजनेस में भी आपका सेक्शन फोर्टी फोर ट्रांसपोर्टर बिजनेस है उसको छोड़ के या फिर एजेंसी बिजनेस है उसको छोड़ के कमीशन ब्रोकरेज वाला बिजनेस है उसको छोड़ के बाकी अगर आप कोई बिजनेस करते हैं एंड योर टर्न इज अप टू

अगर आपका टर्नओवर रियलाइज्ड हो गया मीन पैसा मिल गया बाय अकाउंट अकाउंट पे पे चेक डिमांड ड्राफ्ट एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग मीन रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट आएगी ना वो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक अगर आपका टर्नओवर रियलाइज हो जाता है अदर देन कैश कैश को छोड़ के छोड़कर अकाउंट पे चेक अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियर सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड तो उस केस में आप 8 परसेंट की जगह 6 परसेंट है वो पीजीबीपी का इनकम बता सकते हैं अब एक और चीज समझना अगर अगर आप आप 8 या 6 पीजीबीपी का इनकम बताते हैं हैं क्या आप इससे ज्यादा ज्यादा बता सकते आंसर इज यस बताएंगे तो निर्मला जी खुश होगी करके ठीक है लेकिन क्या अगर आप इतना या इससे ज्यादा बताते हैं तो ना तो आपको ऑडिट करानी ना आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बतानी लेकिन आप अगर इससे कम बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं आंसर इज यस कम बता तो सकते हैं लेकिन बोलते है कि अगर आप एट परसेंट तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेगी और आपको ऑडिट करानी पड़ेगी अब यहां पर एक और चीज समझना ये बोलते है कि अगर मान लो किसी भी ईयर में आपने फोर्टी एडी लिया तो उसके नेक्स्ट फाइव ईयर के लिए भी आपको फोर्टी एडी लेना पड़ेगा आपने किसी ईयर में फोर्टी एडी लिया तो उसके नेक्स्ट फाइव ईयर में फोर्टी फोर लेना पड़ेगा अगर नेक्स्ट फाइव ईयर में किसी ईयर में वायलेशन किया तो जिस ईयर में वायलेशन किया उसके नेक्स्ट फाइव ईयर्स तक आप फोर्टी एडी नहीं ले पाएंगे तो मैंने क्या बोला अगर आपने फोर्टी एडी लिया तो उसके नेक्स्ट फाइव ईयर्स तक आपको फोर्टी फोर लेना है अगर नेक्स्ट फाइव ईयर में आपने फोर्टी फोर में कहीं वायलेशन कर दिया तो जिस ईयर में आपने नहीं लिया उसके नेक्स्ट फाइव ईयर तक आप फॉर्टी फोर नहीं ले पाएंगे और नेक्स्ट फाइव ईयर तक अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम बेसिक एक्जामेशन से ज्यादा है तो आपको ऑडिट भी करानी पड़ेगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बनानी पड़ेगी यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब एक और चीज समझना एक सेक्शन है दिस इज फॉर द प्रोफेशनल चार्ट अकाउंटेंट वगैरह के लिए सेक्शन ये ये बोलती है कि अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल है या रेजिडेंट पार्टनरशिप फॉर्म है एल एलपी को छोड़ के

हैं और आपका नेट टैक्सेबल इनकम बेसिक एक्सम्शन से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी और बुक्स ऑफ अकाउंट भी बनानी पड़ेगी अब एक और चीज समझना ये 44 एडी AD और एडीए सेक्शन अगर आप लेते हैं तो उस केस में क्या section 32, 37 के के भी मिलेंगे इस 8% 6% and 50% सामने लेकिन एक चीज समझना कैलकुलेट करना पड़ेगा मिस ब्लॉक चालू रहेगा डेप्रीशियन कैलकुलेट करना पड़ेगा मैंडेटरी अलाउ नहीं होगा बट मैंडेटरी आपको कैलकुलेट करते रहना पड़ेगा अब एक और चीज समझना क्या partner को remuneration interest दिया, वो no. यहां पे कुछ भी अलाउ नहीं होगा

टन से ज्यादा हो जाता है उसको बोलते हैं हैवी हैवी व्हीकल व्हीकल के केस में आपको क्या करना है का इनकम पर टन पर मंथ पर व्हीकल लेना है जैसे मान लो एक ट्रक है और उस ट्रक का ग्रॉस व्हीकल वेट है वो मान लो थर्टी टन है तो पर मंथ का थर्टी थाउजेंड इनकम हुआ पर मंथ का जो थर्टी थाउजेंड है वो इनकम हो जाएगा क्योंकि मैंने क्या बोला वन थाउजेंड रुपीज पर टन वन थाउजेंड रुपीज पर टन पर टन के लिए वन थाउजेंड सो थर्टी टन के लिए थर्टी थाउजेंड पर मंथ का इनकम हुआ अगर ट्वेल्व मंथ है तो मल्टीप्लाई बाय आप ट्वेल्व कर दीजिए लेकिन एक चीज समझना अगर ग्रॉस व्हीकल वेट है वो अवेलेबल नहीं है तो आप यहां पे अनलडेन वेट ले सकते हैं नॉर्मली आपको ग्रॉस व्हीकल वेट दे रखा होगा ग्रॉस व्हीकल वेट अवेलेबल नहीं है तो आप वेट ले सकते हैं तो मैंने क्या बोला सबसे पहले हैवी हैवी व्हीकल व्हीकल के के केस केस में में आप एक काम करिए हैवी है व्हीकल किसका जिसका जिस ग्रॉस व्हीकल वेट है वो ट्वेल्व टन से ज्यादा है, उसको हैवी व्हीकल बोलेंगे उसके लिए क्या करना है कि अगर मान लो वन थाउजेंड आपको पर टन इनकम लेना है पर मंथ के लिए पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ यहां पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब क्या होता है किसी भी कैलेंडर मंथ में सपोज आपने व्हीकल है वो एक्वायर किया 16 अक्टूबर को तो उस केस में अक्टूबर पूरा मंथ लेना है और पूरे मंथ के लिए वन थाउजेंड रुपीज पर टन है दैट विल बी योर

पार्टनर को रेम्युन इंटरेस्ट देते हैं फोर्टी बी की लिमिट के हिसाब से आप डिडक्शन ले सकते हैं टैक्सेशन की सेक्शन ऐसी है जिसके सामने आप रेमेशन इंटरेस्ट जो पार्टनर को देते हैं जो फोर्टी बी की लिमिट के हिसाब से अलाउ होता है उसका आप डिडक्शन ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब एक और चीज समझना अब कुछ प्रिजर्विव टैक्सेशन ऐसी है जो आपके नॉन रेजिडेंट के लिए लगती है उसमें सबसे पहले मैं फोर्टी 44 बी की 44 बी क्या बोलती है कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस है नॉन रेजिडेंट है उसका शिपिंग बिजनेस है तो उसका पीजीबीपी का इनकम कितना होगा बताए देखिए पीजीबीपी का इनकम लेना है सेवन एंड हाफ परसेंट लेकिन सेवन एंड हाफ परसेंट आप किसका लेंगे देखो इंडियन पोर्ट पे जो नॉन रेजिडेंट उसका शिपिंग बिजनेस है इंडियन पोर्ट पे जो भी गुड्स गुड्स लोड हुआ भीजर शिफ्ट शिफ्ट हुआ वर्ल्ड मतलब में उसका भाड़ा कहीं भी मिला हो वर्ल्ड में उसका फ्रेट कहीं भी मिला हो उसकी टोटल करिए एंड इंडिया के बाहर जो लोड हुआ उसका भाड़ा अगर इंडिया में मिला है इंडिया के बाहर लोड हुआ लेकिन उसका भाड़ा इंडिया में मिला है उसकी टोटल का सेवन एंड हाफ परसेंट है वो आपका पीजीपीपी का इनकम बनेगा तो देखो मैंने क्या बोला नॉन रेजिडेंट एंगेज इन शिपिंग बिजनेस सेवन एंड हाफ परसेंट पीजीपीपी का इनकम होगा किसका इंडियन पोर्ट पे लोड हुआ उसका भाड़ा वर्ल्ड में कहीं भी मिला हो या बाहर लोड हुआ था लेकिन भाड़ा इंडिया में मिला है उसकी टोटल बाहर लोड हुआ भाड़ा इंडिया में मिला इंडियन पोर्ट पर लोड हुआ भाड़ा कहीं भी मिला हुआ सेवन है वो पीजीपीपी का इनकम होगा उसके बाद एक सेक्शन होती है फोर्टी फोर बीबीए फोर्टी फोर बीबीए क्या बोलती है अगर नॉन रेजिडेंट उसका एयरक्राफ्ट बिजनेस है जैसे जापान एयरलाइंस वगैरह बहुत सारी सिंगापुर एयरलाइंस वगैरह जो इंडिया में आती है तो एयरलाइंस के केस में सेवन एंड हाफ परसेंट की जगह फाइव परसेंट हो जाएगा बाकी सेम है सेवन एंड हाफ परसेंट की जगह फाइव परसेंट है पीजीबीपी का इनकम होगा अब क्वेश्चन ये आता है

सर्विस देता है या कोई फैसिलिटी देता है किससे रिलेटेड या कोई प्लांटेड मशीनरी सप्लाई करता है किससे रिलेटेड प्रोस्पेक्टेशन एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन ऑफ द मिनरल ऑयल्स तो नॉन रेजिडेंट कोई सर्विस देता है फैसिलिटी पेट्रोलियम प्रोडक्शन ऑफ द मिनरल ऑयल से रिलेटेड उसमें अगर यूज होती है तो उस सर्विस से रिलेटेड जो भी उसको नॉन रेजिडेंट को पैसा मिलेगा जितना पैसा मिलेगा उसका टेन परसेंट विल बी दीजीबीपी इनकम और कौन सा पैसा मिलेगा या तो देखिए सर्विस इंडिया में रेंटेड की वर्ल्ड में पैसा कहीं भी मिला हो या सर्विस बाहर रेंटेड की पैसा इंडिया में मिला था उसका टेन परसेंट विल बी पी जीवी इनकम अब एक बात समझना लास्ट सेक्शन दैट इज द फोर ट्रिपल बी फोर्टी वो सिर्फ फॉरेन कंपनीज के लिए लगेगी ये फर्स्ट वाली थ्री सेक्शन है वो नॉन रेजिडेंट के लिए थी ये सेक्शन लास्ट वाली है वो सिर्फ फॉरन कंपनी के लिए वो सेक्शन ये बोलती है कि अगर कोई फॉरन कंपनी है वो कोई टंकी प्रोजेक्ट है वो करती है इंडिया में और गवर्नमेंट के साथ में उनका अग्रीमेंट होता है मिस बिजनेस ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन या फिर बिजनेसिंग्रूवेंट उसमें तो जो भी उनको पैसा मिलेगा उसका बट अगर आप टेन परसेंट से कम बताते हैं तो आपको बुक्स ऑफ आप अकाउंट बनानी पड़ेगी और अपनी ऑडिट करानी पड़ेगी लास्ट में ब्रांच है तो क्या ब्रांच को हेड ऑफिस के अलोकेटेड एक्सपेंडिचर अलाउ होते हैं yes. जो इंडिया की ब्रांच है उसको हेड ऑफिस के अलोकेटेड एक्सपेंडिचर है वो अलाउ हो जाते हैं लेकिन कितने अलाउ होते हैं है? फाइव परसेंट ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम जो एडजस्टेड टोटल इनकम आएगा उसका 5 परसेंट हेड ऑफिस का एक्सपेंडिचर कितना है विच एवर इज लोअर है उतना एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा लेकिन यहां पे एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब क्या होगा एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब इस साल का टोटल इनकम निकालिए बट बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ द ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिशिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज एंड डिडक्शन अंडर चैप्टर तो सिंपल सी बात बताऊ मैं कि एक बात बताइए यहां एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब पहले ग्रॉस टोटल इनकम ले लो क्योंकि डिडक्शन से पहले वाला ग्रॉस टोटल इनकम और ग्रॉस टोटल इनकम जो है उसमें पुराने सालों का जो ब्रॉड फॉरवर्ड है पुराने सालों के जो लॉसेस है पुराने सालों का ब्रॉड फॉरवर्ड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर उसका एडजस्टमेंट करने से पहले उसका सेटअप करने से पहले जो भी तुम्हारा रहेगा दैट इज कॉल्ड योर एडजस्टेड टोटल इनकम उसका फाइव परसेंट ले लीजिए लेकिन सर मान लो यहां पर इस साल का लॉस आ गया इस साल का जो एडजस्टेड टोटल इनकम है वो नेगेटिव है तो उस केस में क्या करना है आपको लास्ट थ्री इयर्स का एवरेज एडजस्टेड टोटल इनकम लेना है लेकिन सर मान लो बिजनेस स्टार्ट हुए थ्री इयर्स नहीं हुए तो कोई बात नहीं टू इयर्स है तो टू इयर्स का ले लो सर लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर था तो फर्स्ट ईयर ले लो सर मान लो यही करंट ईयर फर्स्ट ईयर है

Guys, this is the completion of your PGPP lecture. मैंने ये सोचा था कि ये लेक्चर मैं दो घंटे में कंप्लीट कर लूंगा बट जैसा कि आपको पता है दो घंटे से भी ज्यादा टाइम हो गया है अप्रोक्स ढाई घंटे हो गया है उसका एक रीजन तो यह है कि मैंने इस बार बहुत सारे केस लॉज भी साथ साथ में डिस्कस करवाए आपको क्योंकि हर साल में केस लॉज है वो अलग करवाता था मैंने इस बार कॉम्पैक्ट को चेंज किया पूरा और कॉम्पैक्ट में जहां जहां केस लॉ का रिलेवेंस था मैंने वहीं पे उसको पुट कर दिया तो जिससे आपको पढ़ते टाइम पता चले कि चलो ये केस लॉ है बिकॉज केस लॉ फिर आपको सेपरेटली पढ़ने की जरूरत नहीं है साथ साथ में आपका रिवाइज हो जाए और मैंने सब चीजें रिवाइज करवाई एक दो सेक्शन आपको होमवर्क में दिए फोर्टी फोर फौर्ट डबल ए जैसी बाकी सब चीजें मैंने आपको कराई मेरे को सीए बने दस साल हो गए अभी जस्ट लाइक इन द जनवरी टू थाउजेंड ट्वेल्व में मेरा रिजल्ट आया था जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में टू थाउजेंड ट्वेल्व था जब मेरा रिजल्ट आया था एटीन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को आई मेरी लाइफ की लर्निंग में एक चीज मैं बता सकता हूँ लाइफ में ना आप कभी भी किसी से को अपने से कंपेयर मत करिए करके ठीक है नेवर यूर सेल्फ विद एनी अदर पर्सन जैसे बहुत बार ऐसा होता है यार, यार ये तो दस घंटे पढ़ सकता है मैं तो नहीं पढ़ सकता कोई बोलता है अठारह घंटे पढ़ता है कोई बीस घंटे पढ़ता है अठारह बीस घंटे कोई पढ़ाई नहीं होती है करके ठीक है सिंपल सी बात है देखो जब आपका एग्जाम होता है एग्जाम से ऑब्वियसली आप कुछ टाइम पहले फोर्टीन फिफ्टीन आर्ट्स तक आप पढ़ सकते हैं दट इज द मैक्सिमम अपर लेवल फोर्टीन फिफ्टी कोई अगर बोलता है ना वो एटीन नाइनटीन ट्वेंटी आर्ट्स पढ़ता है फेंक रहा है ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं होता है मैक्सिमम अगर आप 10 घंटे भी इफेक्टिवली पढ़ाई कर लेते हो दस घंटे पढ़ाई कर ली तो लाइक आपसे कोई भी ये डिग्री छीन नहीं सकता और ये डिग्री आपको जल्दी ही मिल जाएगी तो मैंने मेरी लाइफ में दस साल में एक चीज सीखी है नेवर कंपेयर विद एनी अदर पर्सन एंड ऑलवेज ट्राई टू इंप्रूव एवरी ईयर मैं ना मैं किसी को मैं किसी भी मैं जिस फील्ड में हूं मैं टीचिंग फील्ड में ऑब्वियसली बहुत सारी फैकल्टीज वगैरह रहती है Like, मैंने आज तक मैंने अपने आप को किसी से मैंने कंपेयर नहीं किया है आपने भी, भी मेरे लेक्चर सुने होंगे मैं किसी के बारे में ना तो कभी बात करता हूं ना मैं किसी को अपने साथ में कंपेयर करता हूं मैं ये मुझे ये पता है कि जैसा मैं लास्ट ईयर था ना मैं इस ईयर इससे मैं बेटर हूं बस आपको ये लगना चाहिए कि जो आप पहले थे हर दिन आप अपने आप को कुछ ना कुछ बेटर बनाते जाओ करके ठीक है जल्दी ही सीए बन जाओगे टेंशन ना लो करके और खुश रह के पढ़ा करो और अच्छे से पढ़ा करो मोटिवेटेड रहा करो अपने आप से बात किया करो जब आपको मोटिवेशन की ज़रूरत लगती है जब भी थोड़ा ऐसे खराब फील होता है ना तो एकदम मिरर के सामने जाए और आप अपने आप से बात करिए करके ठीक है कि नहीं भाई अपने आप से पूछिए कि अभी पढ़ाई ज़रूरी है और पढ़ाई में ध्यान देना है बाकी सब चीज़ें छोड़ो सोशल मीडिया वगैरह थोड़ा कम करो और अपनी लाइफ में एक घंटा आप वॉक वॉक करने जाया करो क्योंकि क्या होता है ना जब आप वॉक करते हैं एक घंटा उसके बाद आपकी बॉडी में एक अलग ही फील आता है करके ठीक है और उसके बाद आपकी पढ़ाई में एनर्जी वगैरह है वो भी बनी रहती है बढ़ जाती है हेल्थ पे ध्यान दो अपनी बिकॉज हेल्थ बहुत जरूरी है जब भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो तो प्लीज़ चाहिए तो एक दो दिन ब्रेक ले लीजिए और पूरा हेल्थ को एकदम अच्छे से रिकवर करिए और उसके बाद उसको रीस्टार्ट करिए बिकॉज सी का एग्जाम ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें दो दिन पढ़ के पास हो जाए करके ठीक है इंजीनियरिंग वगैरह कहीं हो सकता है कि वैसा होता है मेरा एक फ्रेंड था जब मेरा रूम पार्टनर था हॉस्टल में तो वो इंजीनियरिंग वाला था तो वो बंदा दो तीन दिन एग्जाम से पहले बहुत पढ़ता था बट सी इज टोटली डिफरेंट करके ठीक है यहाँ पे पढ़ना पड़ता है महीने महीनों पढ़ना पड़ता है और उसके बाद जाके क्रैक करते हैं करके ठीक है सो थैंक्स अलऑट पीपल दैट्स अन फॉर टूडे फ्रॉम माई साइड अगले लेक्चर में मिलते एक और टॉपिक को रिवाइज़ करेंगे